our senses. Welcome to this program, Maharaj. Hare Krishna. Thank you, Maharaj, for taking out this time to bless us and making us fortunate. Maharaj, can I just take 1 minute to introduce you, because we have some new devotees here. Okay, thank you, Maharaj. So His Holiness Bhakti Vighna Vinashak Narasimha Swami Maharaj. Maharaj is Srila Prabhupada's dear disciple. Maharaj Srila Prabhupada ji ke disciple hain. Aur Maharaj jo hai, ne pura life jo hai Srila Prabhupada ji ke seva mein dedicate kiya hai. Aap yahan dekh sakte hain ki Maharaj ne 1971 mein लंदन में श्रीला प्रभुपाद जी से इनिशिएशन लिया, फर्स्ट इनिशिएशन. उसके बाद महाराज ने सेकंड इनिशिएशन लिया और 1994 में महाराज ने सन्यास ऑर्डर एक्सेप्ट किया. एंड महाराज इज नाउ सर्विंग एज अ स्पिरिचुअल मास्टर इन दिस मोमेंट. सो महाराज बहुत ही सिंपल, बहुत ही प्योर और हम्बल वैष्णव है. और महाराज का जो पर्सनल एक्टिविटीज है, महाराज का जो प्योरिटी है, वो लाइफ एंड शेल्टर बन चुका है बहुत सारे डिवोटीज का. महाराज इज प्रीचिंग वाइडली. महाराज पूरे वर्ल्ड में प्रीच करते हैं, ट्रैवल करते हैं, एस्पेशली चाइना, इंडिया, फिलीपींस, ताइवान, सिंगापुर, हांगकॉन्ग, मलेशिया एंड थाईलैंड एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ऑल्सो. और महाराज जो है MIHE मायापुर इंस्टीट्यूट ऑफ हायर, वहाँ पे मायापुर में महाराज इज टीचर. जब से वो इंस्टीट्यूट शुरू हुआ है तब से महाराज वहाँ पे टीचर हैं. महाराज इज गिविंग भक्ति शास्त्री, भक्ति वैभव कोर्सेज. और हर साल जब हम मायापुर जाते हैं तो महाराज का हमें वहाँ एसोसिएशन मिलता है नदी मंडल परिक्रमा में. महाराज इज लीडिंग द इंटरनेशनल ग्रुप. और महाराज स्पेशल कॉन्ट्रीब्यूशन, ऑफकोर्स महाराज इज कॉन्ट्रीब्यूशन इज इनॉर्मस, बट एक बहुत स्पेशल कॉन्ट्रीब्यूशन है जो महाराज ने चाइना के डिवोटीज को कृष्णा कॉन्शियसनेस में लाए हैं. बिकॉज ऑफ महाराज यू नो प्रीचिंग एंड प्योरिटी, महाराज ने चाइना में बहुत सारे डिवोटीज जो है, थाउजेंड्स ऑफ डिवोटीज इन चाइना, दे आर प्रैक्टिसिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस वेरी वेरी स्ट्रांगली. और हर साल चाइना के डिवोटीज यहाँ पे हमें वी आर फॉर्चुनेट कि यहाँ पे आते हैं. दिस टाइम बिकॉज ऑफ कोरोना वी डोंट नो हाउ थिंग्स विल डन, बट वी आर वेरी फॉर्चुनेट दैट वी आर गेटिंग महाराज एसोसिएशन. महाराज इज वेरी काइंड अपॉन अस. अगर आपको याद होगा तो महाराज ने जो हमारे बेस में जो श्रीला प्रभुपाद जी का डीटी है, महाराज केम एंड महाराज एस्टेब्लिश दैट डीटी अलॉन्ग विद ऑल द चाइनीज डिवोटीज. सो वी आर वेरी वेरी फॉर्चुनेट to today have with us His Holiness Bhakti Vighna Vinashak Narasimha Maharaj. Aur Maharaj hame aaj Srimad Bhagavatam preface se Maharaj lecture denge. Thank you very much Maharaj. And Maharaj please. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Devim Sarasatim Vyasam Tato Jaya Mudirayat Nastapraeshu Vabhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtaki Krishne Swadamo Pagate Dharma Gyana Dibisaha Kalo Nishta Drishamisha Puranarto Drinodataha. So this morning I thought I would give class based on Srila Prabhupada's preface to the Srimad Bhagavatam. Maharaj, can I translate in Hindi? Yeah. Okay, so मैं हिंदी में अनुवाद करूंगा. महाराज कह रहे हैं कि आज का जो क्लास है वो श्रील प्रभुपाद जी ने जो भागवतम दिया उसमें प्रस्तावना से देंगे. Maybe you like to read the preface in Hindi. All preface, महाराज? Well, first paragraph. Okay. तो महाराज बोले कि यहाँ प्रस्तावना से पढ़ने के लिए तो मैं हिंदी में पढ़ रहा हूँ. यह भागवत पुराण सूर्य के समान प्रकाशमान है और उसका इसका उदय धर्म ज्ञान इत्यादि के साथ भगवान श्री कृष्ण के द्वारा निज धाम को प्रयाण करने के पश्चात ही हुआ है. जिन व्यक्तियों ने कलयुग में अविद्या के घोर अंधकार के कारण अपनी दृष्टि खो दी है उन्हें इस पुराण से प्रकाश प्राप्त होगा. I think that's not the preface, Prabhu.
So, oh, this is Amok. Okay, yes, Maharaj, sorry. हमें मानव समाज के वर्तमान आवश्यकता का ज्ञान अवश्य होना चाहिए और यह आवश्यकता क्या है? मानव समाज अब किसी देश विशेष या जाति विशेष के भौगोलिक सीमाओं से बंधा नहीं है। यह मध्य युग की अपेक्षा अधिक व्यापक है और अब एक राज्य अथवा एक मानव समाज की सार्वभौम प्रकृति परिलक्षित होती है। श्रीमद् भागवतम के अनुसार आध्यात्मिक संवाद के आदर्श समग्र मानव समाज की एक रूपता पर अथवा कहा जाए तो न्यूनानिक जीवात्माओं के संक्रमण शक्ति पर आधारित है। महान विचारक इसे सफल आदर्शवाद बनाने की आवश्यकता का अनुभव करते हैं। श्रीमद् भागवत द्वारा मानव समाज की इस आवश्यकता की पूर्ति हो सकेगी। अतः इसका शुभ आरंभ वेदांत दर्शन के सूत्र जन्मादस्यतः से होता है, जिससे सामान्य हित के आदर्श की स्थापना हो सके। थैंक यू। या सो श्रील प्रभुपाद रोट द श्रीमद् भागवतम टू फुलफिल a very special need which he saw in the world today. तो श्रीला प्रभुपाद जी ने ये जो श्रीमद् भागवतम को लिखा, इस समाज की एक बहुत महत्वपूर्ण जरूरत को देखते हुए श्रीला प्रभुपाद ने लिखा। He saw that the world has created many problems, that there's so much tension in the world between nations and people, and there's everywhere people are not happy, they're not peaceful. श्रीला प्रभुपाद जी ने देखा कि हम लोगों ने इस दुनिया में बहुत सारी जो है दिक्कतों को खड़ा कर दिया है, देशों के बीच में, लोगों के बीच में, और हम ये देख सकते हैं कि लोग जो है अधिकांश रूप से खुश नहीं है। Although the world has progressed in terms of technology and we have air transportation and people are accustomed to travel, sometimes they go to different parts of the world, and so there's more connection, there's more communication between different countries than ever. तो महाराज कह रहे हैं कि अभी जो है टेक्नोलॉजी की दुनिया में काफी जो आगे बढ़ गया है दुनिया टेक्नोलॉजी में, लोग जो है देश विदेश में भ्रमण कर रहे हैं, हवाई जहाज का सुविधा है, लोग एक से दूसरे देश में जा रहे हैं, लेकिन जो है वो अभी संतुष्ट नहीं है। So we see with things like United Nations, the idea of coming together, making one society, bringing people together, working together, cooperating together in peace and harmony. These kind of attempts, although they try, they're never successful. तो कई प्रकार के जो है प्रयास किए गए हैं समाज को एक साथ लाने के लिए, लोगों को सबको एक ही आधार पर लाने के लिए, लेकिन ऐसे कई सारे प्रयास जो हैं असफल रहे हैं। They have good intentions, but they don't have the proper, they don't have the real method by which to achieve this. उन लोगों का इच्छा तो है कि ऐसा हो, लेकिन उन लोगों के पास अच्छा इसका तरीका नहीं है कि इसको कैसे किया जाए। So Srila Prabhupada talks about spiritual communism. We see that, you know, communism in some parts of the world, there's about 5 countries in the world today still communist. And so that people have the idea that communism brings the people together. Prabhupada gives the concept about spiritual communism. So, Maharaj bata rahe ki Srila Prabhupada ji jo hai wo adhyatmik communism ke bare mein iski prerna dete hain. Maharaj bata rahe ki aaj bhi 5 desh aise hain duniya mein So spiritual communism is, instead of thinking everything simply belongs to the state or to the people, we understand everything belongs to the Supreme Lord. तो जो आध्यात्मिक कम्युनिज्म है उसका मतलब ये है कि चीजें किसी व्यक्ति विशेष या फिर किसी देश की नहीं है, अपितु सारी चीजें जो है वो परम भगवान की हैं। So when people can be brought to that spiritual platform of understanding that the Lord is actually the proprietor, then there is some real hope for the world.
जब लोग इस चीज को समझ जाएंगे कि परम भगवान ही जो है वो नियंता है, वही सभी चीजों को के मालिक हैं, तब फिर इस समाज के लिए बहुत उम्मीद है। So Srila Prabhupada explains how the Srimad Bhagavatam can fill this gap in the human society, that people are looking for some solution to the problems. It is the Srimad Bhagavatam which can solve the real problem of the world. So Srila Prabhupada batate hain ki jo is samaj ka jo asli dikkatein hain jisko log jo hai bharna chahte hain, to Srimad Bhagavatam jo hai वो एक सॉल्यूशन है। श्रीमद् भागवतम के द्वारा समाज में जो ये गैप है, जो प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन हो सकता है। Instead of coming up with some man-made philosophy like socialism or Marxism, we have to take the knowledge from the absolute, from the supreme person who is infallible, who is apurusha, who is without any of the defects of the conditioned soul. कुमारस बता रहे कि हमारे द्वारा अपनी तथाकथित रचना की गई हुई फिलॉसफियों के अपेक्षा हमें ऐसे परम भगवान की द्वारा दी गई शिक्षा का पालन करना चाहिए जो अच्युत हैं, जो जिनका कभी पतन नहीं होता, जो परफेक्ट हैं, जो कभी गलती नहीं करते। भागवत गीता डिस्क्राइब्स हाउ देयर आर टू काइंड्स ऑफ लिविंग एंटिटीज, देयर इज द इटर्नली कंडीशनड एंड द इटर्नली लिबरेटेड। भगवत गीता जो है दो तरह के जीवों के बारे में बताता है, नित्य मुक्त और नित्य बद्ध। So the eternally conditioned souls, they have the four defects, that they make mistakes, imperfect senses, subject to illusion, and the propensity to cheat or be cheated. तो जो नित्य बद्ध जीव हैं, महाराज बता रहे कि वो चार तरह का गलतियां करते हैं, वो उनका जो इंद्रियां अपूर्ण है वो गलती करते हैं, imperfect senses, और ये चार तरह का दोष जो उनमें पाया जाता है, और फिर वो चीटिंग करते हैं। So with these defects, you can never expect to get perfect knowledge. You have to get perfect knowledge from a perfect person. And the perfect person means the liberated person who's on the spiritual platform. तो ऐसे सारे ये जो problem defect को लेते हुए हम जो है पूर्ण ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते। अगर हमें पूर्ण ज्ञान को प्राप्त करना है तो हमें पूर्ण पुरुष का जो है आश्रय लेना होगा। So Srila Prabhupada then quotes the first aphorism from the Srimad Bhagavatam, which Srila Vyasadeva puts in the invocation, janmadyasya yataha, that all the creation and the maintenance and the destruction, that everything is done by the arrangement of the Supreme Lord. श्रील प्रभुपाद जी जो है इस यहाँ पर श्रीमद् भागवतम के पहले श्लोक में जन्मादस्य था, वहां से श्रील प्रभुपाद जी कोट करते हैं और बताते हैं कि जो इस सृष्टि का जो रचना की गई, जो पालन है और जो संहार है, वो सारा परम भगवान के निर्देशन के अंदर होता है। People have to understand that there is God, there is that person behind this world who's the creator, who's responsible for everything. Our problem is we're not cooperating with him. तो लोगों को ये समझना होगा कि इस पूरे ब्रह्मांड की रचना करने वाले और इस पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाले वो एक भगवान है, एक व्यक्ति है, और प्रॉब्लम ये है कि हम उनके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे, हम उनकी चीजों को मान नहीं रहे। So although we've made so much progress in terms of material comforts and economic development, and we think the world is improving, the world is developing, but there's something very wrong in the world. तो हमें कई बार ऐसा भ्रम हो जाता है कि हमने जो है सुख सुविधा के अनेक जो साधन कर लिए हैं, और जो है इकोनॉमिकली भी पूरा दुनिया जो है बहुत बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी गलती है हमारे समझने में। And we're seeing at the present time with this coronavirus everywhere, how the world is affected, how we were thinking we're so advanced and we're so developed, but we see what we've done is simply accelerated the dying process. अभी हम देख सकते हैं जो कोरोना वायरस का जो वर्तमान स्थिति है, हम लोग सोच रहे थे कि हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं टेक्नोलॉजी में, हम बहुत आगे हैं, लेकिन अभी कोरोना वायरस की स्थिति में हम देख चुके हैं कि हमने केवल जो मृत्यु के जो मार्ग है उसको तेज कर दिया है बस। We don't know what is the real goal of life, and people are thinking
that we're progressing, we're thinking we're advancing, but it, all the time there's so many problems behind the back. These big problems like this coronavirus, which stops the whole world. तो लोगों को ये मालूम नहीं है कि जो हमारे जीवन का वास्तविक लक्ष्य क्या है और हमें लगता रहा है कि हम बहुत तरक्की कर रहे हैं, बहुत आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उसके पीछे बैकग्राउंड में जो प्रॉब्लम है वो बढ़ता जा रहा है, जैसे कि कोरोना वायरस. So how to bring the world together, how to solve this problem of, you know, the friction which is there between one nation and another, and between one community and another, one society and another, how to bring everything together. This is the message of the Srimad Bhagavatam. So, Srimad Bhagavatam ka jo sandesh hai wo ye hai ki sari duniya ko ek jut kaisa kiya jaye, jo bhed, jo bhav, jo beech mein gaps hai logon ke beech mein, deshon ke beech mein, samajon ke beech mein, usko kaise bhara jaye aur sari duniya ko ek jut kiya jaye, ye Srimad Bhagavatam batata hai. It is the message of the Srimad Bhagavatam which can change the direction of the human society so that they can actually understand the purpose of life. Everyone wants to be peaceful and happy and to enjoy prosperity. We want, naturally we want these things, but we cannot have them without God consciousness. So, सब लोग चाहते हैं कि बहुत शांति हो, बहुत सुख हो, सब समृद्धि हो, सब ये स्वाभाविक है, लेकिन ये सब चीजें भगवान की चेतना के बिना संभव नहीं है. We often hear people want to have the kingdom of God without God. हम सुनते हैं बहुत बार कि लोग जो है वो भगवान का राज्य चाहते हैं लेकिन भगवान के बिना. How is it possible? You cannot have the kingdom of God without God. That's ridiculous. But this is what people are trying to do, and this is the problem in the world. We simply want to enjoy without recognizing who is the actual proprietor. तो ये कैसे संभव हो सकता है? लोग चाहते हैं कि भगवान के बिना भगवान का राज्य मिल जाए. बहुत ही गलत है. हम चाहते हैं कि बिना भगवान को सेंटर में रखे हम उनके पूरे जो साम्राज्य को हम लोग सुख सुविधा लें, ये संभव नहीं है. We need to understand the actual need of the society. People need to get proper spiritual education. हमें इस समाज की वास्तविक जरूरत को समझना होगा. इस समाज की वास्तविक जरूरत है कि लोगों को इस आध्यात्मिक ज्ञान की जरूरत है. So, just like education usually begins from the age of 5 or even younger sometimes, but as soon as possible, from the beginning of life, people need to be taught, and they don't need just to be taught reading and writing, but they need to be taught the principles of Bhagavad Dharma, Sanatan Dharma. तो जिस प्रकार छोटे बच्चों को ही, जब 5 साल के बच्चों को भी जो है हम ये भौतिक ज्ञान देने लगते हैं, उनको स्कूल भेज देते हैं, उसी प्रकार से जितना जल्दी हो सके छोटी से छोटी अवस्था में जो है ये केवल पढ़ाना लिखाना नहीं, उनको आध्यात्मिक ज्ञान भी हमें देना चाहिए. We see, for example, in India today, India has secular education. In other words, they don't promote, they don't present any one religion. They keep the religion out of the schools. But actually, religion is the most basic part of education. And that is lacking in the education system, not only in India, all over the world. महाराज बता रहे कि जैसे हम अभी देख सकते हैं कि भारत जो है वो सेकुलर स्टेट बोलते हैं, यानी कि किसी भी धर्म को वो स्कूलों में नहीं लाया जाता, स्कूलों को धर्म को जो स्कूलों से बहुत दूर रखा जाता है, लेकिन वास्तविकता में ये जो धर्म है ये हमारे जीवन का आधार है. और ना केवल भारत में, पूरी दुनिया में इस तरह का आजकल व्यवस्था है कि धर्म को स्कूल से दूर रखा गया है. The leaders of the society today are generally all godless people, and they think religion, that's something we keep out of the, you know, keep it in the background. That's a private thing. We don't promote it. But this is a problem in the world, that we're denying the real need of society.
महाराज बता रहे हैं कि जो नेता है हमारे सामाजिक नेता जो है वो जो है भगवान भावित नहीं है, वो कृष्णा कॉन्शियस नहीं है, इसलिए वो जो उनको समझते हैं कि इस धर्म की कोई जरूरत नहीं है, ये एक अपना निजी डिसीजन है किसी का कोई करे या ना करे, लेकिन उनको पता नहीं है कि समाज की असली जरूरत क्या है। We give so much attention to science and technology, but this is also another godless attempt to try to control the material nature. हम लोग जो है साइंस विज्ञान में बहुत विश्वास रखते हैं और हमें लगता है कि हम इसके द्वारा जो है इस पूरी भौतिक प्रकृति को कंट्रोल कर लेंगे। Material science, they try to make rain by using some chemical reaction to produce rain. तो कई बार भौतिक समाज में देखा जा रहा है कि अभी वो बारिश को करना चाह रहे हैं, बारिश करना चाहते हैं कुछ रिएक्शन करके, केमिकल रिएक्शन से। And then we have genetically modified crops that they take the seeds and they combine the genes and change the genes and they say this will bring us more harvest, we'll get more crops, we'll make more money. And like this, people are taught that they can control nature by science. उसी तरह से विज्ञान के जो तरीके से हम हर चीज को कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे हैं, उदाहरण के लिए फसल, तो फसल में भी आजकल वो चेंज कर देते हैं, जेनेटिक चेंज करते हैं और बोलते हैं कि इससे ज्यादा जो है उत्पादन होगा, इससे हम और ज्यादा फसल ले पाएंगे। So Bhagavad Gita explains how to produce crops. That everybody, we need grains, we need to eat grains, and we get grain by rain. And rain is produced by sacrifice, yajna. And yajna is born of prescribed duty. This is our duty, to do yajna. But we don't know Kali Yuga, we're just depending on science. तो भगवत गीता हमें सिखाता है कि कैसे हमें फसल उगाना है। भगवत गीता बताता है कि जो फसल है वो यज्ञ पर, जो बारिश पर निर्भर करता है, और बारिश जो है यज्ञ पर, और यज्ञ जो है हमारी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज को करने से। तो भगवत गीता से हमें पता चलता है कि यज्ञ के माध्यम से फसल होगा, ना कि साइंस से। And people are thinking money will solve all the problems of the world. If we get more money, when we have more money, then we can solve all of our problems. Money cannot stop things like this virus, it cannot stop us growing old, money cannot stop disease, money cannot save us from death. कई बार लोगों को लगता है कि जब धन के माध्यम से हम अपनी जो प्रॉब्लम्स को दूर करेंगे, लेकिन ये धन जो है ये हमारी दिक्कतों को दूर नहीं कर सकता। धन जो है ये कोरोना वायरस को नहीं हटा सकता, हमारी मृत्यु को नहीं हटा सकता, बुढ़ापे को नहीं हटा सकता। तो धन जो है सॉल्यूशन नहीं है। So we have to understand the material nature is under the direction of the Supreme Lord. Bhagavad Gita says, Mayajya kshena prakriti suyate sacharachara hetunanena kuntiya jagat viparivartate. Material nature is moving under my direction, O son of Kunti. महाराज बता रहे कि भगवद गीता में हम पढ़ते हैं कि ये जो भौतिक प्रकृति है ये भगवान के निर्देश के आधार पर काम करती है। भगवान बता रहे हैं कि ये मेरा प्रकृति है और मेरे निर्देश के हिसाब से ये काम करता है। Of course, some people they worship Mother Durga. They say she's controlling material nature, but she herself is under the direction of the Supreme Lord. She moves like a shadow under the direction of the Supreme. तो कई लोग सोचते हैं कि माँ दुर्गा जो है वो इस प्रकृति की कंट्रोलर है, लेकिन वो कंट्रोलर है, लेकिन वो खुद जो है वो परम भगवान के निर्देश के हिसाब से काम करती है और एक परछाई की तरह काम करती है। So we want to understand the science of God, we have to read the Srimad Bhagavatam. Everything is explained there in the Srimad Bhagavatam. अगर हमें भगवान के बारे में वास्तविक ज्ञान प्राप्त करना है तो हमें श्रीमद् भागवतम को पढ़ना चाहिए। सब कुछ श्रीमद् भागवतम के अंदर दिया गया है। People want to know about God, you can get all the information there in Srimad Bhagavatam. You can find out about our relationship with Him and find out about how we can work in His service. तो लोग जब भगवान के बारे में जानना चाहते हैं तो उनको श्रीमद् भागवतम पढ़ना चाहिए। श्रीमद् भागवतम में सब कुछ समझाया गया है कि हमारा भगवान से क्या संबंध है और हम भगवान से किस प्रकार से सेवा के माध्यम से जुड़ सकते हैं। So spiritual education is very important in the society. It's very essential. People have to be taught. First of all, who am I? Why am I here? Where am I going? Why am I suffering? How can I actually be really happy? तो ये जो आध्यात्मिक ज्ञान है इसकी बहुत बहुत जरूरत है समाज में।
हम मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं कहाँ जाऊँगा, मैं क्यों इतना परेशानी में हूँ, ये सब चीजें आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा हम समझ सकते हैं. So the Srimad Bhagavatam is described to be the ripened fruit of all the Vedic literature. There are many, many books in the Vedas, but this Srimad Bhagavatam is like the fruit or the essence of all of these Vedas. बहुत सारे वेद हैं और श्रीमद् भागवतम जो है ये सारे वेदों का पका हुआ फल है, उसका सार है ये सारे वेदों का श्रीमद् भागवतम. Therefore, Srila Prabhupada dedicated his time and his final years of his life to translating it and publishing it in the English language so that people all over the world could read it. इसलिए श्रीला प्रभुपाद जी ने इस पर बहुत महत्वपूर्ण बल दिया और श्रीला प्रभुपाद जी ने अपने जीवन के अंत समय तक श्रीमद् भागवतम को अनुवाद किया. उन्होंने अंग्रेजी में अनुवाद किया ताकि सारी दुनिया के लोग जो इसको पढ़ पाए और इसका लाभ उठा पाए. And when we read the Srimad Bhagavatam carefully, we'll see that how we become God conscious. Naturally, we awaken our consciousness of God. तो जब हम श्रीमद् भागवतम को ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि हम खुद ही जो स्वतः ही जो है कृष्ण भावना भावित हो रहे हैं, हम जो भगवान से कनेक्ट कर पाएंगे. And then once by becoming God conscious, then we can protect ourselves from a deadly disease which is called atheism. तो भगवान की चेतना जब हम डेवलप करेंगे तो हम अपने आप को एक बहुत भयानक जो है बीमारी से बचा सकते हैं जिसका नाम है नास्तिकता. And if we read the Srimad Bhagavatam carefully, we'll be so convinced about God that we'll be able to convince others about God, and we can convert these atheists into believers of God. अगर हम श्रीमद् भागवतम को ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे तो हम इतना ज्यादा जो है हम बिल्कुल समझ जाएंगे अच्छे से भगवान के बारे में, हमारा इतना बढ़ जाएगा कि हम बातियों को भी Atheism is spread all over the world as well. The atheists are also doing their propaganda work. They're encouraging more and more people in the path of atheism and sense gratification. And they teach that there's no life after death and there's no God and everything is here just simply for our enjoyment. तो जो नास्तिकतावाद है ये भी पूरे समाज में बहुत जोर से फैल रहा है. जो नास्तिक इसके जो लीडर हैं वो लोग इसको बहुत जोर से फैला रहे हैं कि ये पूरे जीवन का लक्ष्य जो है इंद्रिय तृप्ति है, कोई भगवान नहीं है, यही जीवन है, इस मृत्यु के बाद फिर से कोई और जीवन नहीं है. तो बहुत भारी तरीके से उसको प्रचार किया जा रहा है. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड द नीड ऑफ सोसाइटी. How we have to have proper education to understand the existence of God, not just based on blind sentiment, but on actual scientific knowledge presented in a very proper manner. तो हमें इस समाज की जो वास्तविक जरूरत है उसको समझना होगा. हमें केवल एक सेंटिमेंटल प्लेटफॉर्म पे हम नहीं सोच सकते कि हमें क्या चाहिए कि इंद्रिय तृप्ति से सॉल्यूशन होगा. हमें जो है समाज की असली प्रॉब्लम इस ज्ञान के आधार पर समझना होगा. We know in India people tend to be religious everywhere. They have some kind of understanding of the importance of religion. But if we ask them to actually present any philosophy or to speak according to scripture, they're not able to do it. They don't actually understand, they don't know anything from the scriptures. They were never taught. They just simply have some sentimental belief. देखा जाता है बहुत आसानी से कि लोग जो है धार्मिक तो सबको ही दिखता है. भारत में सबको ही लोग धार्मिक दिखते हैं कि कुछ ना कुछ कर रहे हैं, लेकिन अगर उनसे पूछा जाए कि जो है शास्त्रों के आधार पर बताइए कि धर्म में क्या दिया है, तो उनको उसके बारे में कुछ नहीं पता. केवल एक सेंटिमेंटल तरीके से वो धर्म से जुड़े हैं. And they think, oh, all the religions are good. They don't know there are many religions which are promoting atheism. And they're thinking it's good, oh, so religion is good. They don't understand. Some are good and some are not. Some are bona fide and some are not. You have to know what is the verdict, what is the teaching of the scriptures. और वो लोग जो है वो सोचते हैं कि सारे धर्म ठीक है, कोई भी करो, ये भी अच्छा है, वो भी अच्छा है, सारे अच्छे हैं. लेकिन ऐसा नहीं है, सभी अच्छे नहीं है. कुछ अच्छे हैं, कुछ अच्छे नहीं है. कुछ जो है प्रमाणिक है, कुछ प्रमाणिक नहीं है. तो हमें इसको ध्यान पूर्वक समझना पड़ेगा. Srila Prabhupada explains the concept of God is
not as high as the concept of the absolute truth. There are many gods in the world. Many gods, we know, the different devas, different gods of fire and wind and rain. They're all different gods. But there's one supreme over everyone. That is the absolute truth. So we want people to understand what and who is the absolute truth. What kind of personality is this? महाराज बता रहे हैं कि भगवान और परम भगवान में बहुत फर्क है. इस दुनिया में बहुत सारे तरह तरह के भगवान हैं. कोई बारिश का देवता है, कोई सूर्य का देवता है, लेकिन ये जो है परम भगवान से अलग है. हमें समझना होगा कि एब्सोल्यूट ट्रुथ जो परम भगवान है वो कौन है, वो क्या उनका पर्सनैलिटी है, ये हमें समझना होगा. People often think we're all God, it's all one, we're all God. Yeah, we're all God, we're all tiny parts of God. But we're not equal to the Supreme God. And some people are thinking that there's no God, that ultimately everything is just a combination of atoms and chemicals and reactions and there's no actual person behind the world. And they think, if God is there, he couldn't be a person because we're persons. God must be more than us, must be greater than us. So he couldn't be a person. So right, he's not a person like us. But he is a person. He's a perfect person. We're the imperfect persons. He's the perfect persons. तो कुछ लोग ये सोचते हैं कि भगवान जो है वो व्यक्ति नहीं हो सकते क्योंकि हम भी सब व्यक्ति हैं तो भगवान जो हमारे से कुछ ज्यादा होने चाहिए वो व्यक्ति नहीं हो सकते हमारी तरह. तो सही है कि भगवान हमारी तरह व्यक्ति नहीं है. हम जो व्यक्ति हम सबके अंदर बहुत सारा कमी है लेकिन भगवान जो पूर्ण व्यक्ति है जो है परफेक्ट है. We come from God. And so if we're a person and he's not, then we would be something more than him. That couldn't be possible. We can't be greater than God. So we have to understand God is also a person, but he's not a limited person as we're limited. He's unlimited. So hum sab jo hai bhagwan se hi aate hain. Agar hum vyakti hai aur bhagwan vyakti nahi hai, iska matlab to hum bhagwan se bade ho gaye. लेकिन ये सत्य नहीं है. तो भगवान व्यक्ति है लेकिन भगवान जो है पूर्ण व्यक्ति है, हम सबकी तरह नहीं जिसमें कमियां हैं. So this Srimad Bhagavatam explains to us in proper manner how to understand the nature of God, how to understand the personality of God, that he is a person, the perfect person. तो श्रीमद् भागवतम जो है मदद करता है हमें ये समझने में कि भगवान का जो है क्या व्यक्तित्व है, कैसा पर्सनालिटी है. भगवान जो है भगवान ही केवल जो है एक परफेक्ट व्यक्ति है. So in India people are very fond of Vedanta Sutra. Many people have heard Vedanta Sutra and they want to read Vedanta Sutra. Srila Vyasadeva wrote also Vedanta Sutra, which is the essence or the concentrated version of the Vedas in a sutra form, very condensed. So the Srimad Bhagavatam is actually the commentary on Vedanta Sutra by the same author. Srila Vyasadeva wrote Vedanta Sutra, the same Srila Vyasadeva then wrote Srimad Bhagavatam to explain the Vedanta Sutra. तो ज्यादातर लोग जो है वेदांत सूत्र को पढ़ना चाहते हैं. वेदांत सूत्र जो है वो सब चीजों का सार है. तो यहाँ पर महाराज बता रहे हैं कि श्रील व्यासादेव जो है उन्होंने ही ये जो श्रीमद् भागवतम है वो वेदांत सूत्रों के ऊपर टीका है और व्यासादेव ने ही जो है वेदांत सूत्र दिया है जो कि श्रीमद् भागवतम है. So, Vedanta Sutra is very difficult to understand and different acharyas, they all have their own commentaries on it. Shankaracharya has commentary, the Vaishnava acharyas, they also have their commentaries. But the actual commentary, the best commentary of Vedanta Sutra comes from the author,
Srila Vyasadeva, because it's Srila Vyasadeva who wrote Vedanta Sutra. So he knows perfectly the purpose behind Vedanta Sutra. We want to understand Vedanta Sutra, we should hear from the author, Srila Vyasadeva. तो वेदांत सूत्रों को समझना काफी मुश्किल है उस पे कई सारे आचार्यों ने जो उस पे टीका दिया है शंकराचार्य ने उस पे टीका दिया है वैष्णव आचार्यों ने भी टीका दिया है लेकिन अगर हमें उसको सबसे अच्छे तरीके से समझना है तो हम जो है उसको समझ सकते हैं उस व्यक्ति से जिन्होंने उसकी रचना की है जो कि है श्रीला व्यासदेव तो व्यासदेव जी के द्वारा जो श्रीमद् भागवतम है उससे हम समझ सकते हैं कि वेदांत सूत्र क्या है सो श्रीमद् भागवतम What to actually understand the Srimad Bhagavatam, it's important for us that we should go through it step by step from the beginning. It's a big work. There are 12 cantos and there are something like 18,000 verses. So one has to, but one has to go through it step by step from the beginning. Srimad Bhagavatam ko acche tarike se samajhne ke liye hame shuru se lekar usko padhna chahiye. स्टेप बाय स्टेप उसको पढ़ना चाहिए श्रीमद् भागवत तो बहुत बड़ा जो है कार्य किया गया उसमें 12 स्कंद है 18,000 श्लोक है तो हमें बिल्कुल शुरुआत से लेकर उसको समझेंगे तो बहुत अच्छे से हम समझ पाएंगे And the different cantos are compared to different limbs, bodily limbs of the body of the Supreme Lord. Just like the first two cantos, they're called the Padapadma. They're compared to the lotus feet of the Supreme Lord. तो भागवतम के जो 12 स्कंद हैं, वो श्री भगवान के अंगों से उसकी तुलना की गई है जैसे कि जो पहले दो स्कंद हैं, उनको भगवान के चरण कमलों से तुलना की गई है पादप कमलम When we go to see the deity, we look to the first to the lotus feet of the Lord. Then gradually we look up, we come up to the thighs, and then we see the Lord's chest, and then we come up to the Lord's face. तो जब हम परम भगवान के दर्शन भी करते हैं मंदिर में भगवान के विग्रह के तो पहले हम भगवान के चरण कमल का दर्शन करते हैं फिर उनका जांघ का दर्शन करते हैं फिर उनका छाती का इस तरह से भगवान का दर्शन किया जाता है So the first nine cantos they're studied first and the first nine cantos are describing about the Lord and his different energies particularly how he does creation and then his different avatars and incarnations His different this way the first nine cantos they prepare us to actually hear about the Supreme Personality of Godhead, which comes in the tenth canto, and that tenth canto is like the face of the Lord. So, पहले एक से लेकर जो नौ स्कंद हैं, वो हमें भगवान को समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है. पहला से नौवें स्कंद में भगवान और उनकी शक्ति इस सृष्टि की रचना भगवान के विभिन्न अवतारों के बारे में बताया गया है उसके बाद हम तैयार हो जाते हैं और जो दसवां स्कंद है वो भगवान के मुख कमल की तुलना की गई है So generally the program which we have for studying Srimad Bhagavatam, we take it very gradually. We go step by step, one sloka at a time, gradually coming up to look on the 10th canto and to hear the 10th canto. श्रीमद् भागवतम को हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं पहले श्लोक से शुरू करते हैं और एक समय पे हम उसको एक श्लोक को पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे जो है हम दसवें स्कंद तक पहुंचते हैं So, Prabhupada explains that we want to understand Srimad Bhagavatam. It's important also to hear it from the pure devotees, to hear it from those people who are actually devotees. Don't hear it from professional people. Some people who make a business in reciting Srimad Bhagavatam. Just like we know in India, they often have these Bhagavat Saptas and the people come and they're very professional. You know, they can make a very dramatic presentation, all the leelas and the emotions and the crying, but they're not actually genuine devotees. तो महाराज बता रहे कि श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि हमें जो है भागवतम को समझने के लिए उनको शुद्ध भक्तों के द्वारा सुनना चाहिए भागवतम को हम कोई प्रोफेशनल जो भागवत सप्ताह करने वाले लोग हैं उनसे नहीं समझ सकते कई बार हम देखते हैं कि वो बड़े सुंदर तरीके से करते हैं बड़ा सुंदर म्यूजिक होता है बड़ी सुंदर कथा होती है और बहुत सारे वो भाव दिखाते हैं रोते हैं लेकिन इस तरह से हम भागवतम को नहीं समझ सकते भागवतम को हम शुद्ध भक्त के द्वारा समझ सकते So it's not enough just to be learned.
There must also be some vairagya, there must also be some detachment from the material. If one is simply presenting Srimad Bhagavatam as a business, simply to get some money to maintain his family, then this is not very high level of spirituality. Of course, the people who are presenting Srimad Bhagavatam, in some ways they're better than Mayavadis, because at least they recognize the Lord as the Supreme. तो महाराज बता रहे कि कम से कम खैर जो लोग भागवतम बता भी रहे हैं वो मायावादी लोगों से तो अच्छे हैं क्योंकि कम से कम वो परम भगवान को तो मानते हैं. There are Mayavadi people, they simply talk of the oneness and they interpret all of Krishna's lilas and they present it all as being illusion, that Krishna is just another form of the Brahman, and ultimately everything is illusion, or everything is just simply oneness. They don't recognize Krishna as the Supreme Lord. So, ये जो मायावादी लोग हैं, वो बहुत अलग-अलग तरह के विचार रखते हैं. कई बार वो बोलते हैं कि वो सब कुछ एकाकार है. कई बार वो बोलते हैं कि जो है ये जो भगवान की लीलाएं हैं, ये जो है भ्रम है, कोई लीला नहीं है, केवल एक भ्रम है. कई बार वो कृष्ण को जो ब्रह्म से जो है तुलना कर देते हैं. कभी बार बोल देते हैं सब कुछ एक है, लेकिन वो जो है परम भगवान है कृष्णा, ये नहीं समझ पाते. So we want to understand Srimad Bhagavatam, very important to hear it from the devotee, from the pure devotee, from the pure-hearted devotee. अगर हमें श्रीमद् भागवतम को समझना है वास्तविकता में, तो बहुत महत्वपूर्ण है कि हम उसको जो है शुद्ध भक्तों के द्वारा, जिनका हृदय जो है निर्मल है, ऐसे शुद्ध भक्तों से हम सुने श्रीमद् भागवतम. Just like the holy name, the chanting of the holy name has to come from the pure devotee. Just like we give the example, if you give milk to a snake, then this, it becomes poisonous. The milk touched by the lips of a snake becomes poisonous. So the same way, the holy name is something very nectarian, but when it's touched by some, when it's coming from the mouth of some professional or some non-devotee, someone who's not a devotee at all, then it has a poisonous effect. उसी प्रकार जिस प्रकार की भगवान का जो नाम है, भगवान का जो दिव्य नाम है, वो भी हमें शुद्ध भक्तों के द्वारा प्राप्त करना चाहिए. ऐसा नहीं कि कोई प्रोफेशनल उसको बता रहा है. जैसे कि दूध का उदाहरण दे रहे हैं महाराज, कि दूध जो है उसको अगर सांप जो है उसको छू लेता है, तो वो दूध जो है वो बहुत अच्छा है, अमृत समान है, लेकिन जब उसको सांप छू लेता है तो वो फिर जहर बन जाता है. इसी तरह से अगर कोई भक्त बिल्कुल भक्त नहीं है, उससे अगर हम सुनेंगे तो वो जो है जहर के समान होगा. So we want to hear Srimad Bhagavatam, hear it from the right person. Srila Prabhupada's purports, therefore, are very important. That Srila Prabhupada put so many nice purports to these different verses just to help all of us to come to a pure level of Krishna consciousness. If we study Prabhupada's purports carefully, then we will get the best association with the pure-hearted devotee. इसलिए हमें जो श्रीमद् भागवतम जो है सुनना चाहिए सही जो है व्यक्ति से. इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर जो है परपोर्ट दी है अपने भागवतम में, और उससे हम उनको अगर हम ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे तो भगवान के शुद्ध भक्त श्रील प्रभुपाद जी उसका भी हमें संग प्राप्त होगा. So महाराज बोल रहे कि यहाँ पे हम विराम देते हैं और आप प्रश्न पूछ सकते हैं, तो जो डिवोटी प्रश्न पूछना चाहते हैं वो प्रश्न पूछ सकते हैं महाराज. क्वेश्चंस प्रभु. हरे कृष्णा महाराज. हरे कृष्णा. प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल ऑबिसिएंसेस महाराज. वेरी नाइसली यू डिलीवर इम्पोर्टेंस ऑफ श्रीमद् भागवतम. तो माय क्वेश्चन इज कि हाउ आई कैन मेंटेन एंड इंक्रीज माय एंथुसियाज्म फॉर साधना एंड सर्विस. प्रभु जी महाराज को बोल रहे हैं कि महाराज धन्यवाद, आपने बहुत ही सुंदर तरीके से श्रीमद् भागवतम का ये समझाया हमें. और महाराज का प्रश्न है, ये प्रभु जी का प्रश्न है कि किस प्रकार से अपनी सेवा और जो साधना है उसमें उत्साह बनाए रखें. Yes, very important.
how to be enthusiastic, how to keep up our enthusiasm. Rupa Goswami mentions about enthusiasm, utsahan. And Upadeshamrita, he describes six things which will help us to progress. And the first one is enthusiasm, utsahan, that we should be very enthusiastic. And Prabhupada describes enthusiasm as endeavoring with intelligence for Krishna consciousness. भक्ति में बढ़ने के लिए जो छह चीजें जरूरी है उसके बारे में बताते हैं, और उसमें पहला चीज जो है वो है उत्साह। और श्रील प्रभुपाद जी भी उसको बताते हैं कि विवेक के द्वारा प्रयास करना, उसको बोलते हैं उत्साह। So this is the idea that we have to endeavor, we have to know there's some endeavor required, we have to put some effort into it, that if we want to become Krishna conscious, it's not that we can just sit back and it will all happen naturally. No, we have to endeavor, we have to try, and we have to use our intelligence also. We shouldn't be foolish. We should do things the proper way. So, Maharaj bata rahe ki ye iske liye kuch prayas ka zarurat hai. Aisa nahi ki hum just baith jaye aaram se aur hum soche ki hum Krishna bhavna bhavit ho jayenge. Aisa nahi hoga. Hame iske liye prayas karna chahiye. Apne vivek ko lagate hue hame prayas karna chahiye aur hame murkhta purvak karya nahi karna chahiye. Apne vivek ko lagakar hame acche se prayas karenge to hum utsahit rahenge. So association is very important. You want to associate with similar-minded devotees who are also enthusiastic, who are also eager to keep up their sadhana. When you have that nice kind of association, then it can make it very easy. So, ye jo bhakton ka sang jo hai wo bahut mahatvapurna hai. To sahi tarah ko bhakton ka sang agar aap karenge, aise bhakton ka sang karenge jo khud utsahit hain, jo apni sadhana ko bahut acche se karte hain, to hame bhi ek bahut acha avsar milega ki hum bhi apni sadhana ko acche se kar payenge. So our Krishna consciousness movement is meant for this purpose, bringing together like-minded people who are all eager, who want to keep up their enthusiasm, who want to dedicate their time and into doing good sadhana and want to advance in Krishna consciousness. So the Krishna consciousness movement has centers around the world so that people can come and they can be together and they can practice in a very pure spiritual atmosphere. हमारा जो ये कृष्ण भावना में संघ है, इसका यही उद्देश्य है. इसका संघ, इसका उद्देश्य यही है कि जो जो लोग इस तरह का विचार रखते हैं कि जो कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपना समय उसमें देना चाहते हैं और भक्ति में आगे बढ़ने का जिनका इच्छा है, वो जो है एक संघ साथ में आकर एक दूसरे के उत्साह को बढ़ाते हैं. इसलिए इस कौन के जो पूरी दुनिया भर में जो है केंद्र है जहाँ पर लोग जो है एक साथ आते हैं और बहुत ही प्योर तरीके से वो एक दूसरे का संग करते हैं और आप भक्ति में आगे बढ़ते हैं. So we're very fortunate that we have these Krishna conscious centers. I'm very fortunate if you can stay there in the temple and have the association of devotees who are serious, who want to dedicate their life for Krishna. तो हम लोग का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमारे ये जो कृष्ण भावना के जो सेंटर्स बने हुए हैं, अगर हमारा ऐसा सौभाग्य हो कि हम इन केंद्रों में रह पाएं ऐसे भक्तों के साथ जो साधना में सीरियस हैं, भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ये बहुत अच्छा है हमारी भक्ति के लिए. So it's the best way. You stay in the Krishna conscious community, you be with the devotees, then it's very natural to keep up sadhana. तो ये सबसे अच्छा तरीका है कि आप कृष्ण भावना भावित भक्तों के साथ रहें, उनका संग करें, इस तरह से हमारा साधना बहुत अच्छा रहेगा. And if you're fortunate, you may also have a mentor or a spiritual teacher, somebody who really looks after you and checks on you and encourages you. That can be also very helpful. और अगर आप सौभाग्यशाली हैं तो आपका कोई मेंटर होगा, आपका कोई गाइड होगा जो कि आपको इस आध्यात्मिक रास्ते पे देखता रहेगा, आपको समझाता रहेगा, तो ये बहुत ही अच्छा होगा. ओके, एनी अदर क्वेश्चन? थैंक यू महाराज. यस अमरजीत प्रभु, आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं. हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम महाराज जी. मेरा क्वेश्चन ये था कि हाउ टू डेवलप आवर full faith in a Krishna consciousness and our spiritual master.
Maharaj's question is that how to develop full faith in Krishna consciousness and full faith in the spiritual master? Well, we have to study the philosophy. You have to understand it carefully and study the philosophy. If you study it very carefully, then you will see how perfect everything is. If we apply the philosophy, we will see how perfectly it all works and how our consciousness actually changes. So when you apply the philosophy and you see it working, then you should have faith. महाराज बता रहे हैं कि हमें जो है इसके लिए अध्ययन करना होगा, हमें ये जो शास्त्रों को पढ़ना होगा, और जब हम उसको पढ़ेंगे तो हम पूरा एकदम परफेक्ट हम समझ पाएंगे कि क्या चीज क्या है, और जब हम उसको अप्लाई करेंगे, जब उस फिलॉसफी को समझकर अपने जीवन में उसको उतारेंगे और उसका जो हमें रिजल्ट मिलेगा, तो हमारा जो फेथ है उससे बढ़ेगा, हमारा विश्वास बढ़ जाएगा. And with the spiritual master, then you have to look and see how does he live, what does he do, what are his activities? You have to consider how much of his life he spent dedicated in the service of Krishna, working selflessly for the service of the Krishna consciousness movement, and dedicating everything just to push on Krishna consciousness. So when you see that example, then you should be impressed, and you should have great faith that this person is very, very, very dedicated. तो जहाँ तक गुरु की बात है, एक आध्यात्मिक गुरु की बात है, तो उनमें जो विश्वास है, उनके जीवन को देखकर हमारा जो है विश्वास बढ़ सकता है. किस तरह का उनका जो है गतिविधियाँ हैं, किस तरह की एक्टिविटी वो करते हैं, किस तरह से उन्होंने जो है अपना जीवन है वो पूरा जो है भगवान की सेवा में दे दिया है, और ये जो कृष्ण भावना भावित आंदोलन है उसको आगे बढ़ाने के लिए वो पूरी तरह से जो है न्योछावर है, और किस तरह से वो एक पूरे समाज के लिए और भक्तों के समाज के लिए अच्छा उदाहरण स्थापित कर रहे हैं, इसको देखकर हमें बड़ा इम्प्रेस हो जाना चाहिए, और हमारा जो विश्वास है उनकी एक्टिविटी की गतिविधियों को देखकर संतुष्ट हो जाना चाहिए, हमारा विश्वास बढ़ जाना चाहिए. यू जस्ट लुक एट द एग्जांपल व्हिच दे आर सेटिंग, हाउ द स्पिरिचुअल टीचर, how he's working, how he's dedicating everything simply to try to do service for Krishna. Unka jo udharan hai usse dekhkar hame bada prabhavit ho jana chahiye, kis tarah se unhone apna pura samay pura jeevan jo hai wo Krishna bhavna andolan ko badhane mein laga rahe hain, kis tarah se puri tarah se wo Krishna bhavna bhavit hai, ye dekhne se hamara vishwas jo hai wo badh jayega. And so this way we, any reasonable person, they will be convinced that this person is very pure and dedicated, and we will have faith in him as a spiritual teacher. इस तरह से कोई भी जो विवेकपूर्ण व्यक्ति है, वो ये सब देखने के बाद वो इस निष्कर्ष तक पहुंच जाएगा कि ये जो व्यक्ति है, वो किस तरह से शुद्ध है, और हमारा जो विश्वास है, फिर हम उसमें कर पाएंगे. And you may have some personal experience. You may get some instruction from him. You may get some particular direction that he wants you to do something, and if you follow it, then you see it works perfectly, and that way then you have more faith in him. और आपको ऐसा भी सौभाग्य हो सकता है कि वो जो उनसे आपको कुछ दिशा निर्देश मिले अपने जीवन के लिए, और जब आप उसको अपने जीवन में उतारें, उनके निर्देश के हिसाब से आप उसका पालन करें, तो आपको उसका जो रिजल्ट परिणाम भी मिलेगा, तो वो जब परिणाम आपको मिलेगा तो आप तब आपका विश्वास और बढ़ जाएगा. Now Srila Prabhupada, when he first went to meet Bhaktisiddhanta Sarasvati, Bhaktisiddhanta Sarasvati said, "Oh, you're a nice young man. Why don't you dedicate your life to preaching the message of Lord Chaitanya Mahaprabhu?" तो जिस तरह से श्रील प्रभुपाद जी जब पहली बार अपने गुरु श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज से मिले, तो प्रभुपाद जी को उन्होंने बोला कि आप जो है जवान व्यक्ति हैं, आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, क्यों नहीं आप अपना जीवन जो है चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को प्रचार करने में लगाते हैं. So Prabhupada said at that time, he said, "I was just married and I had young children." He said, "There was no way I could just leave everything and just suddenly go preaching." But he said, "I never forgot the instruction." And then later on, I was able to take up that instruction. And of course, by taking up that instruction, Srila Prabhupada got great success.
तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि उस समय मैं नया ही विवाहित व्यक्ति था, मेरे छोटे छोटे बच्चे थे और उस समय मैं ये सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार अवस्था में नहीं था कि मैं उसको छोड़ पाता, लेकिन वो जो निर्देश मुझे मिला था मैं उसको कभी भूला नहीं। वो जो निर्देश मेरे गुरु ने दिया था हमेशा मेरे साथ रहा और जब बाद में मैंने उस निर्देश का पालन किया तो हम देख सकते हैं कि कैसे श्रील प्रभुपाद जी को बहुत बड़ा सफलता मिला इस कृष्ण भावना में को स्थापित करने में। सो the instructions of the spiritual master should become the life and soul for the disciple. तो जो गुरु का जो निर्देश है वो एक शिष्य के जीवन का जीवन ही बन जाना चाहिए। But we have to have that faith. Yeah, that faith should not be blind. It should be with proper intelligence. तो लेकिन इसके लिए हमें वो विश्वास चाहिए, लेकिन वो विश्वास जो है वो अंधा विश्वास नहीं होना चाहिए। ये पूरा विवेक पूर्णता से हमें इसको समझकर ये विश्वास हमें डेवलप करना चाहिए, अंधे अंधकार में नहीं। We're not just blind followers, but we actually follow because we're convinced, we've seen everything and we're convinced that actually everything is actually true. हम लोग जो है किसी अंधे मार्ग में ऐसे अंधे होकर चलने वाले व्यक्ति नहीं है। हम लोग जो है चीजों को अच्छे से समझेंगे और देखेंगे जब सारा चीज की हाँ कैसे अच्छे से हो रहा है, फिर हम जो इसमें पूर्ण रूप से विश्वास करके इसका प्रोसेस को फॉलो करेंगे। The guru doesn't just tell other people to chant, he chants himself as well. Whatever he's telling other people to do, he also does himself. जो गुरु है वे दूसरे लोगों को बताते हैं कि आप भगवान के नामों का जप कीजिए, लेकिन ऐसा नहीं कि केवल वो बताते हैं, जो भी वो दूसरों को बताते हैं वो खुद भी वो खुद सब कुछ करते हैं। Guru tells you wake up in the morning early, he also gets up early. Guru jo batate hai ki subah aap jaldi uthna hai, to wo khud bhi jaldi uthte hain. Okay, so like that we should have faith. Is tarah se thank you hame vishwas hona chahiye. Thank you so much. Okay, next yes Nishant Prabhu. Hey Krishna Maharaj, jai pranam. My question is that as we know Srimad Bhagavatam is the literary incarnation of Lord Shri Krishna, so what should be the mood of a as an audience to hear Bhagavatam and to read that Bhagavatam and how to develop that mood? So Nishantu ka prashna Maharaj se ki hum ye sun rahe hain ki Srimad Bhagavatam jo hai wo Bhagwan ka hi sahitya avatar hai, तो ये श्रीमद् भागवतम को पढ़ने के लिए हमारा क्या मूड होना चाहिए और जो मूड होना चाहिए उसको हम किस तरह से उसको लाएं अपने अंदर? Well, the proper mood is we should read it with great care and attention. We should, as I said, really you want to hear the Srimad Bhagavatam from the pure devotee. If you're reading the books, we want to read it understanding that we're hearing directly from the pure devotees through the parampara. That everything which is being said there in the purports is coming through the parampara and it's very full of spiritual power. So Maharaj bata rahe hai ki Srimad Bhagavatam ko padhne ka hamara jo mood hona chahiye wo bahut hi dhyan purvak bahut hi attention se hame Srimad Bhagavatam ko padhna chahiye aur Maharaj bata rahe hai ki shuddh bhakt ke dwara hame ye jo Bhagavatam ko sunna chahiye aur khas taur se jab hum Srila Prabhupada ji ke jo पढ़ते हैं श्रीमद् भागवतम उसमें जो प्रभुपाद जी ने परपोर्ट दिए हैं तो इसमें पूरी परंपरा का जो है हमारे पास आशीर्वाद हमें उससे प्राप्त होता है और इस तरह से मूड से हमें वो समझना चाहिए। Just like when we worship the deity, you know, we're very clean and we purify ourselves, you do akshman and everything and we do chant Gayatri, then we go and worship the deity. And you know, we don't worship the deity in a contaminated state. So same way, when we want to reach Srimad Bhagavatam, we really want to purify ourselves carefully. We should understand this is a very important, very special activity. And when we take the proper care and respect in reading the Srimad Bhagavatam, then we'll get more result. महाराज उदाहरण दे रहे हैं कि जिस प्रकार जब हम मंदिर में भगवान का पूजा करते हैं, भगवान के अर्चक विग्रह का, तो हम वो जो है शुद्ध अवस्था में पहले आते हैं, हम अपने स्नान करते हैं, अपने आप को शुद्ध करते हैं गायत्री, उसके बाद जो है हम भगवान के विग्रह का जो है पूजा करते हैं।
हम अशुद्ध अवस्था में नहीं करते. तो इसी तरह से जब हम श्रीमद् भागवतम को पढ़ें तो हमें समझना चाहिए कि बहुत ही विशेष एक्टिविटी है और उस चेतना के साथ शुद्ध होकर हमें जो है उसको पढ़ने का प्रयास करना चाहिए. जस्ट लाइक चैंटिंग द होली नेम, वी डोंट वांट टू बी चैंटिंग द होली नेम एंड एट द सेम टाइम वॉचिंग टेलीविजन और we want to chant the holy name in a place where we can chant without distraction. So the same way we read Srila Prabhupada's books, Srimad Bhagavatam, you want to be able to find a proper place where you can sit and read it peacefully without distraction. So Maharaj bata rahe ki jis prakar jab hum jap karte hain to hum jap ko bhi jo bahut shuddh avastha mein karna chahte hain, hum aise jagah pe jaake jap nahi karte jahan pe jap bhi kar rahe ho, hum TV bhi chal raha ho, हम जो है ऐसा साथ में जो है और भी दिमाग को दूसरे जगह ले जाने वाली चीजें चल रही हैं, हम एक ऐसे स्थान पे जाएंगे जहां पर हमारा मन जो पूरी तरह से शांत हो और हम अच्छे से जप कर सकते हैं. It's really important that you find that you have a good place where you can go, where you can sit and read without disturbance. Sometimes it's good just to go to a library or some reading room somewhere where you can go and sit and you can read without disturbance. Maharaj bata rahe bahut mahatvapurn hai ki aisa acha sthan hona chahiye jahan pe hum padhe, jahan pe hame kisi prakar ka disturbance na ho, ya to ho sakta hai ki kabhi hum kisi reading room mein padh le ya kisi pustakalay mein padhe, aisa sthan hona chahiye jahan pe problems shor nahi hai, problem nahi, dhyan purvak padh pae. And when we read, you know, I'm not in favor of just mechanical reading. I think we should read very carefully. We want to really absorb the subject matter and there should be some good understanding of what we're reading. So Maharaj keh rahe ki keval aise upar upar se padhne se wo utna acha nahi hai, hame usko jo dhyan purvak usme hum absorb yani ki hum usme usko gehrai se samajhte hue उसके जो सब्जेक्ट है तब हमें उस तरीके से उसको पढ़ना चाहिए, तो उसका जो है ज्यादा महत्व होगा. नो सम पीपल हैव द प्रोग्राम दैट रीड 40 पेजेस एवरी डे इन दिस वे यू रीड द होल श्रीमद् भागवतम इन वन ईयर, बट देन इट बिकम्स अ रेस, यू नो, टू रीड द 40 पेजेस इट टेक्स सम टाइम एंड यू मे रीड अ लॉट, यू मे नॉट अब्सॉर्ब एनीथिंग. महाराज बता रहे कुछ जगह पे ऐसा प्रोग्राम देखते हैं ड्यूटीज का कि वो कहते हैं कि एक दिन में 40 पेज पढ़ेंगे भागवतम के, ऐसे करते करते एक साल में जो है वो पूरा भागवतम पूरा कर लेंगे. तो महाराज कह रहे हैं तो एक दौड़ के समान है कि आप 40 पेज तो पढ़ रहे हो लेकिन हो सकता है कि आप उसको कुछ समझ नहीं पा रहे, कुछ उसमें जो गहराई से उतर नहीं पा रहे, तो ये कोई बहुत अच्छा तरीका नहीं है. Now some people, they like to read aloud. That's good also. I also appreciate that when you hear, when the books are read out loud, then it has a greater effect, that you hear more, you hear better than just simply reading. So Maharaj bata rahe ki kuch bhakt jo hai zor se thoda zor se uchcharan karke jo hai Srimad Bhagavatam ko padhte hain, to Maharaj keh rahe ki ha ye sahi tarika hai, ye acha tarika hai ki hum Bhagavatam ko bol kar uchcharan karke dhyan purvak padhenge, to ye bahut acha tarika hai. So I also like to see devotees sit together, reading together and discussing together, not just simply reading, but also discussing. Maharaj bata rahe ki, Maharaj keh rahe ki mujhe bahut acha lagta hai ki devotee jo hai ek saath mein baithe, ek saath mein usko baith ke padhe, ek dusre ke saath uski charcha kare, ye nahi ki keval padh hi rahe, us pe charcha karna bhi zaruri hai. Sometimes people read and you ask them, what did you read, and they say, oh, I don't know, I forget. कई बार भक्त पढ़ते हैं और फिर उनसे पूछते हैं कि प्रभु आपने क्या पढ़ा, तो कहते हैं कि प्रभु जी भूल गया मैं क्या पढ़ा, सॉरी. So that kind of reading, I don't think that's so beneficial. I think when we read, we want something to go in the heart. There should be something there that we're actually developing, taking from that. तो उस तरह का जो पढ़ने का कुछ विशेष लाभ नहीं है, जब हम पढ़ें तो उसको गहराई से पढ़ें ताकि हमारे हृदय में जो है वो संदेश जो है भागवतम का वो हम उसको समझ पाएं, उतार पाएं, वो ज्यादा अच्छा है. So these are some points about reading. तो ये कुछ पॉइंट्स महाराज ने बताए पढ़ने के बारे में श्रीमद् भागवतम को. ओके, नेक्स्ट प्रदीप प्रभु, यू हैव क्वेश्चन. Pradeep Prabhu, you can unmute and ask.
Thank you, Maharaj, for such wonderful explanation. Hare, thank you, sir. Hare Krishna, Maharaj ji, dhanwad pranam. Hare Krishna. So, my question is that how can we develop the attraction with Krishna and the spiritual master? How to develop attraction? Okay. तो प्रभु जी का प्रश्न है महाराज से कि किस प्रकार जो है हम भगवान के प्रति आकर्षण और गुरु के प्रति आकर्षण जो है उसको अपने जीवन में ला पाएं। We want to develop our attraction for Krishna. So we will become attracted to Krishna the more we know about Krishna, the more we hear about Krishna, the more we become attracted. We'll be thinking how wonderful Krishna is. Just like when we hear the pastimes of Krishna, we hear how Krishna did so many wonderful things, we cannot help but think how wonderful he is. We'll become more attracted to him. So, बता रहे कि कृष्ण के प्रति आकर्षित होने के लिए हमें कृष्ण को और समझना होगा जब हम उनके बारे में सुनेंगे जब हम उनके बारे में चर्चा करेंगे हमें पता चलेगा कि कृष्ण कितने महान हैं कितने अच्छे हैं जब उनके लीलाओं के बारे में हम समझेंगे तो फिर जो है स्वाभाविक रूप से हमारा उनके प्रति आकर्षण जो है वो डेवलप होगा जस्ट लाइक व्हेन वी गो एंड सी द डीटीज We go and see the deity, and the more we see the deity, and we see every day different dresses, different beautiful flower garlands, and we just see the beauty, his beauty expanding and increasing more and more, we become more and more attracted. जिस प्रकार हम लोग जब भगवान के मंदिर में विग्रह का दर्शन करते हैं, तो भगवान का ध्यान से हम जब दर्शन करते हैं, हम देखते हैं कि महाराज का, कि भगवान का जितना ज्यादा हम दर्शन करते हैं, भगवान के जो माला है उसको देखते हैं तो जितना ज्यादा हम उस पर सोचते हैं उसका दर्शन करते हैं उतना हम आकर्षित हो पाते हैं Reading Prabhupada's books is also very inspirational because the more we read them the more we appreciate them although we may have read them before like Bhagavad Gita we've read many times but the more we read it again and again And it just expands, it's increasing, it's not static, it's a dynamic relationship, ever increasing and expanding. We become more and more attracted. So Maharaj bata rahe hain ki Srila Prabhupada ji ki kitabon ko padhna bhi ek bahut acha tarika hai. Jitna jyada hum Srila Prabhupada ji ki kitabon ko padhenge, hum Bhagwan ke prati utna jyada aakarshit ho payenge, uske liye appreciation हम डेवलप कर पाएंगे जैसे कि एक बार हमने भगवत गीता पढ़ा फिर उसको और पढ़ सकते हैं फिर और पढ़ सकते हैं तो जितना ज्यादा हम पढ़ेंगे उतना ज्यादा हम उसको समझ पाएंगे उतना विस्तार हो पाएगा हमारी समझ का और हम उससे उतना आकर्षित भी हो पाएंगे सो देयर इज नेचुरल अट्रैक्शन फॉर कृष्णा विद इन द हार्ट ऑफ एवरीवन एंड इट हैज टू बी अवेकेंड बाय हियरिंग दैट्स जनरली द प्रोसेस निज सिद्ध कृष्ण प्रेम सज कबुनाई Shravanadi Shuta Chete Korehi Udai. Krishna Das Kaviraj and Chaitanya Charitamrita, he says, love of Krishna is in the heart of everyone. It has to be awakened by hearing. So if we hear carefully, we have to hear with attention, submissive hearing, then naturally we'll become more and more attracted to Krishna. महाराज बता रहे हैं कि कृष्ण के प्रति जो हमारा आकर्षण है वो स्वाभाविक है लेकिन अभी सुप्त अवस्था में है तो इसलिए हम जितना भगवान के बारे में सुनेंगे उतना हमें भगवान से आकर्षण डेवलप होगा कृष्णदास श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी वो भी बता रहे हैं कि हम जितना भगवान के बारे में सुनते जाएंगे उतना ही भगवान से के प्रति आकर्षण होगा तो ये सुनना जो है इसको बहुत ध्यान पूर्वक और दूसरा महाराज ने बताया सम्मिश्र मतलब आदर पूर्वक और ध्यान पूर्वक तरीके से हम समझेंगे तो हमारा आकर्षण इफ वी डोंट कल्टीवेट आवर अट्रैक्शन फॉर कृष्णा वी विल जस्ट सिंपली बिकम अट्रैक्टेड टू द माया टू कृष्णास इल्यूजरी एनर्जी वी बिकम अट्रैक्टेड टू द मटेरियल वर्ल्ड वी थिंक द मटेरियल वर्ल्ड इज वेरी ब्यूटीफुल वी थिंक माय डॉग इज वेरी ब्यूटीफुल और माय कार इज सो वंडरफुल अगर हम भगवान के प्रति आकर्षित नहीं होंगे तो हम भगवान की जो शक्ति है माया उसके प्रति आकर्षित होंगे इस भौतिक जगत के प्रति आकर्षित होंगे हमें लगेगा कि मेरा कुत्ता कितना अच्छा है मेरी कार कितनी अच्छी है ये सब चीजों से हम ज्यादा आकर्षित हो जाएंगे बट द ब्यूटी ऑफ कृष्णा
is not like the material world. Material world, these things, they're very temporary. The car gets old, the dog also gets old and dies, and this material world starts breaking down. They have to knock down the buildings and put up new buildings. All the time this is going on, material world, the beauty of the material world is so temporary, but the beauty of Krishna, that is eternal and ever increasing. Maharaj bata rahe hain ki jo Krishna ka jo saundarya hai wo is bhautik jagat ke saundarya se bilkul alag hai. Is bhautik jagat ka jo saundarya hai wo bahut temporary hai. Is bhautik jagat ki koi bhi cheez jo hai wo nasht ho jane wali hai. Aapka jo कार है बहुत अच्छा वो भी खराब होने वाला है. कुत्ता भी जो है वो बूढ़ा हो जाएगा और फिर वो उसकी भी मृत्यु आ जाएगी. इस बहुत बिल्डिंग बड़ा बड़ा बनाएंगे वो भी टूट जाएगा. इस भौतिक जगत का सब कुछ टेम्परेरी है लेकिन कृष्ण का जो सौंदर्य है वो टेम्परेरी है. ये हमेशा और बढ़ने वाला है कृष्ण का जो सौंदर्य. एंड द स्पिरिचुअल मास्टर ही इज द वन हु इज ब्रिंगिंग अस टू कृष्णा हु इज मेकिंग अस अवेयर ऑफ कृष्णा एंड हेल्पिंग अस टू अवेकन आवर कृष्णा कॉन्शियसनेस. So we should be very much indebted to the spiritual master and we should never want to give up that relationship. So Maharaj bata rahe ki jo hamare adhyatmik guru hai unka bhi bahut mahatvapurna sthan hai. Wo hame jo hai Krishna ke marg par late hain, hame Krishna ke bare mein hamari chetna ko avgat karate hain. Isliye wo jo sambandh hai wo bahut important hai. Hamesha kritagyata ke bhav se hame jo hai guru ke prati aadar purvak rehna chahiye. Is sambandh ko kabhi bhi hame bhulna nahi chahiye. Prahlad Maharaj said, I was following the common people. It was like a person going into a blind well and just becoming absorbed in material life. But my spiritual master saved me. How can I ever give up such a person? So, Maharaj bata rahe ki Prahlad Maharaj kehte hai apni prarthana mein ki main jo hai sadharan vyakti ki tarah ek andhkoop andhe kuye mein jo hai wo girne ja raha tha lekin mere jo guru hain unhone meri jo hai aankhein khuli unhone meri jo hai is bhautik jagat mein jaane se meri raksha ki. Aise adhyatmik guru ko main kaise kabhi bhul sakta hu. Okay, Hare Krishna. Thank you so much Maharaj. Thank you. Guru Pasini, next question. Golubasini, your next question. Please unmute. Hare Krishna, Maharaj, please accept my humble obeisances. Thank you, Maharaj, for guiding us. Maharaj, my question is, how to practically apply the teachings of Srimad Bhagavatam in our lives? Like, I feel teachings are very pure and high and sometimes heavy. But when it comes to practical application, I feel that I am failed. So how to, what to do? तो इनका प्रश्न है कि श्रीमद् भागवतम की जो शिक्षाएं हैं उसको अपने जीवन में कैसे उतारा जाए. अगर हम उन शिक्षाओं को देखते हैं तो बहुत शुद्ध हैं, बहुत ही ऊंचे लेवल की है और जब उसको अप्लाई करने का प्रयास करते हैं तो ऐसा लगता है कि हम फेल हो रहे हैं. तो कैसे श्रीमद् भागवतम की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारा जाए. So Srimad Bhagavatam is about preparing for death. Sukadeva Goswami is instructing Maharaj Parikshit. Maharaj Parikshit wanted to know what he should do. So Sukadeva Goswami taught him Srimad Bhagavatam. This is the duty, to hear Srimad Bhagavatam. We may not be able to apply everything we hear, but still we should hear, and we should hear carefully. And if we may not be able to do everything it says, but one we should continue to hear, one day we will do it. Maharaj bata rahe hain ki Srimad Bhagavatam jo hai hame mrityu ke liye taiyar hone ke liye shiksha deta hai. To ye isme Sukhdev Goswami jo hai Maharaj Parikshit ko wo shikshaen de rahe hain ki kaise unko iske liye taiyar hona hai. To Srimad Bhagavatam ka har ek jo shiksha ho sakta hai ki uske abhi hum usko apne jeevan mein ekdam se na utar paaye लेकिन उस और सब चीज वो ना कर पाए लेकिन उसको ध्यान पूर्वक सुनना जरूरी है. और एक दिन ऐसा भी आएगा जब हम भागवतम की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतार पाएंगे. You know, we hear it, it's not that we can immediately do everything Srimad Bhagavatam says, but go on hearing, that's the important point. Hearing, it's the beginning. We hear nicely and then we also chant, we repeat what we've heard.
तो महाराज कह रहे हैं कि एकदम से सब कुछ अप्लाई करना जरूरी नहीं है, ज्यादा महत्वपूर्ण है सुनना, जितना हम बार बार उसको ध्यान पूर्वक सुनेंगे वो ज्यादा जरूरी है, और उसके बाद फिर हमें उसको दूसरों को भी बताना चाहिए. Hearing and chanting lead to remembering, then gradually the remembering comes, and when we start to remember more, then becomes more possible, more practical for us to do what Srimad Bhagavatam is saying. Maharaj bata rahe ki sunne ke saath saath usko prachar karne ke saath saath hame usko smaran bhi karna chahiye. Jab hum usko smaran karenge dhyan purvak, tab fir hamare liye zyada aasan ho jayega apne jeevan mein apply karna jo Srimad Bhagavatam mein shikshaen hain unko. Mainly Srimad Bhagavatam is for hearing, just keep hearing and hearing that Srimad Bhagavatam. That is perfection. That if you're hearing Srimad Bhagavatam, then you're applying the Srimad Bhagavatam. So Maharaj, bahut sundar bata rahe ki Srimad Bhagavatam jo hai usko sunna, usko baar baar sunna, dhyan purvak sunna, wohi jo hai purnata hai. Jab hum Srimad Bhagavatam ko dhyan purvak sun rahe hain, wohi Srimad Bhagavatam ko apne jeevan mein apply karne jaisa hai. Yeah, Hare Krishna. Next question, Sunil Prabhu, you have a next question. Hare Krishna Maharaj, thank you Maharaj for giving so much your wonderful association. Maharaj, I have one question. Maharaj, while reading Srimad Bhagavatam, how may I avoid offenses? Because one time I heard Maharaj that if you are doing offenses while reading Srimad Bhagavatam, then it is unable to understand Srimad Bhagavatam completely. So how may I? प्रश्न है कि महाराज से पूछ रहे हैं कि श्रीमद् भागवतम को जब हम पढ़ना शुरू किया तो इससे अपराधों से कैसे बचे, क्योंकि मैंने सुना है कि जब हम अपराध करते हैं तो श्रीमद् भागवतम को हम नहीं समझ पाते, तो कैसे बचा जाए अपराधों से? Depend what kind of offense you're doing. Is it some seva aparad? In the worship of the deity, you're doing offences, or are you committing offences against devotees? Vaishnava aparad, that's very serious. Maharaj कह रहे हैं कि ये अपराध पर निर्भर करता है किस प्रकार का अपराध कर रहे हैं. क्या आप सेवा अपराध कर रहे हैं, या भगवान के विग्रह के प्रति अपराध कर रहे हैं, या फिर वैष्णव अपराध कर रहे हैं? वैष्णव अपराध जो है वो बहुत भारी है. Or is it namaparad you're doing? And offences in the chanting of the holy name is, you know, you didn't mention, you said you're doing offences, but I don't know what kind of offence you're doing. But yes, definitely devotees careful to avoid offences. So Maharaj kare ki kya fir aap kya naam aparad ki baat kar rahe hain, aapne ye to nahi bataya ki kis prakar ka aparad kar rahe hain, lekin jo bhi aparad ho, ha ye sure hai ki hame is aparad se bachna chahiye. So vaishnav aparad mainly. You commit an offense against devotees, you have to go to the devotee and beg forgiveness. That's very important. If you've offended a devotee, then you go to the devotee and beg forgiveness. And if you're not able to directly go and beg forgiveness, then somehow you have to find some way to serve that devotee. तो जो प्रभु जी ने पूछा कि वैष्णव अपराध से कैसा बचा जाए, तो महाराज बता रहे कि अगर हमारे से किसी भक्त के प्रति वैष्णव अपराध हो जाता है तो उसके लिए हमें क्षमा मांगनी चाहिए उस भक्त से, और अगर ऐसा संभव नहीं है कि हम उन भक्त से मिल पाए, क्षमा मांग पाए, तो ऐसा कुछ ढूंढना चाहिए कि उस भक्त की किस प्रकार से हम सेवा कर पाए. Serving devotees can help you to nullify that offense. If you find it very difficult to go to him and offer obeisances and beg forgiveness, then somehow you serve that devotee, and in this way appeal for his mercy that he will forgive you. So Maharaj keh rahe ki bhakt ki seva karne se jo hai vaishnav aparad jo hai wo khatam ho sakta hai. Agar aapko bahut mushkil ho raha hai kis us bhakt ke paas jana, usse maafi mangna, to kisi na kisi prakar se un bhakt ki seva karenge, seva karne se aap us aparad se mukt ho payenge. We know Devananda Pandit was teaching Srimad Bhagavatam, but because he allowed his students to offend Srivas Pandit, so he did not get the proper understanding of Srimad Bhagavatam. So Maharaj bata rahe ki Devanand Pandit ji jo hai wo Srimad Bhagavatam ka wo kar rahe the, paath kar rahe the, lekin
उनके जो विद्यार्थी थे उन्होंने देवानंद जो शिवानंद सॉरी सॉरी महाराज दे ऑफेंडेड श्रीवास तो उन्होंने जो है श्रीवास आचार्य के प्रति अपराध किया जिसके कारण देवानंद पंडित जो भागवतम को नहीं समझ पा रहे थे. But finally, Devananda Pandit did some service for Vakreshwara Pandit. Vakreshwara Pandit used to dance for many hours. And so Devananda Pandit, he kept the people back and he allowed Devananda Pandit to do his dancing without disturbance. And so Lord Chaitanya was very pleased with him that he was serving Vakreshwara Pandit in this way. So he told Devananda Pandit, that now you go to Srivas and beg forgiveness for your offense, and then you will properly understand Srimad Bhagavatam. So Maharaj bata rahe ki jo Devanand Pandit ji se aparad ho gaya tha Srivas ji ke prati, to lekin unhone ek unko ek seva ka mauka mila. Vakreshwar Pandit jo hai Chaitanya Mahaprabhu ki lila mein, wo jo hai kai kai ghanto tak lagatar dance karte rehte the. और जो देवानंद पंडित हैं उन्होंने एक प्रकार से उनकी सेवा की, लोगों को जो है उनके जो नृत्य में आने से विघ्न डालने से रोका. तो इस प्रकार से जब उन्होंने वक्रेश्वर पंडित की सेवा की तो चैतन्य महाप्रभु उनसे बहुत खुश हुए. चैतन्य महाप्रभु ने उनको बोला कि अब आप जाके श्रीवास पंडित जी से क्षमा मांगिए, और इस प्रकार से फिर वो भागवतम समझ पाएंगे. Maharaj, can we take few more questions? Devotees have questions. Okay. Thank you, Maharaj. Garvit Prabhu, you have question, Prabhu? Yes, Prabhu. Maharaj, please accept my humble obeisances. My question is, as a student or as a professional, how can we manage our spiritual advancement along with our material goals? तो प्रभु जी का प्रश्न है कि एक विद्यार्थी और एक प्रोफेशनल के रूप में हम किस प्रकार से अपने जो आध्यात्मिक और भौतिक जीवन को बैलेंस कर सकते हैं. We have to understand both are important. You have to understand there's a need. You have your material life. You want success in your material activities. If you don't have any spiritual basis to it, then you will never get success in the material. तो मैच कह रहे हैं कि ये हमें समझना होगा कि दोनों ही चीजें जो है इम्पोर्टेंट है. अगर आप खाली भौतिक जगत में सक्सेसफुल हो गए और अगर आपके पास कोई आध्यात्मिक आधार नहीं है तो वो जो आपका भौतिक जीवन का जो सक्सेस है वो बेकार है. So we say cultivate vidya side by side with avidya. You have to cultivate knowledge, the material knowledge, and we have to also cultivate spiritual knowledge. It's not an obstacle. Everyone has to maintain their life. You have to have some job, you have to have some career. Okay, it's not a problem. But you need also a spiritual basis to it. It will help you to control the mind and senses and to be more effective in your material life. If you do good spiritual practice, it will help you to control and to regulate your mind and conquer over your bad habits. And these things will help you to do better, greater success in the material. तो महाराज बता रहे हैं कि भौतिक ज्ञान को भी प्राप्त करने की जरूरत है और आध्यात्मिक को भी. भौतिक ज्ञान जो है वो हमारे आध्यात्मिक जीवन में बाधा बनने वाला नहीं है, लेकिन अगर हम खाली भौतिक ज्ञान के को ही लेंगे, उसी के बारे में सोचेंगे और आध्यात्मिक आधार नहीं होगा तो वो गलत है. इसलिए हमें भौतिक जीवन में भी जरूरी है, हमें नौकरी करना जरूरी है, किसी प्रकार का व्यवसाय जरूरी है, हमें पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन हमें उसका आध्यात्मिक आधार अगर हमारा प्रैक्टिस होगा तो हम जो है अपने मन और इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त कर पाएंगे और उस दृष्टि से फिर जो है हम दोनों चीजों को बैलेंस कर पाएंगे. So one has to be careful not to have too much ambition, just simply material ambition that we want more. One has to be understand what is actually our qualification, what is the arrangement of Krishna. Does Krishna want us to have the success which we are dreaming of or which we think is important? Does Krishna think this is good for us or not? So there has to be that, a little bit detachment from it. You can't be totally attached that you have to have this great success, you have to have a big achievement, you have to have a big position.
We have to understand what does Krishna want from us. That's important. Maharaj बता रहे हैं कि एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि हमें जो बहुत ज्यादा भौतिक अचीवमेंट के प्रति आसक्त नहीं होना चाहिए. हमें अपनी भी योग्यता को समझना चाहिए. हमें ये भी समझना चाहिए कि भगवान का इसमें क्या इच्छा है. क्या भगवान चाहते हैं उस तरह का सक्सेस, क्या हमारे लिए वो अच्छा होगा. तो हमारे अंदर थोड़ा डिटैचमेंट भी, वैराग्य भी होना चाहिए. बहुत ज्यादा अटैचमेंट जो है अच्छा नहीं है. और हमें जो है भगवान की इच्छा को भी समझने का प्रयास करना चाहिए कि भगवान क्या चाहेंगे. हम बहुत बड़ी पोजीशन, बहुत बड़ा रोल लेने ले सकते हैं, लेकिन हमें पहले समझना होगा कि भगवान का क्या इच्छा है. सो डोंट बी टू मच अटैच्ड, एट द सेम टाइम डोंट बी टू मच डिटैच्ड. नीदर वे इज गुड. तो महाराज बता रहे हैं बहुत ज्यादा आकर्षित होना भी खराब है और बहुत ज्यादा वैराग्य होना भी ठीक नहीं है. दोनों ही खराब है. So, the important thing is keep a balance with the material and the spiritual. Keep up your spiritual practice and at the same time work. Do your work, material life. Oh, Maharaj कह रहे हैं कि सबसे अच्छा है उन दोनों के बीच में एक बैलेंस बना के रखना. अपना जो है जो भी आप अपना भौतिक जगत का कार्य करें उसको करिए, लेकिन साथ में जो है अपना आध्यात्मिक जो है प्रैक्टिस उसको चालू रखिए. तो ये सही बैलेंस होगा. Do our best. We try our best. But at the same time, we depend on Krishna. Don't be attached to the results, right? Karmani vadikaraste mapale shukadachana na karma pale heturbo mate sangosva karmati. You do your duty, but remember the results are for Krishna. Never be attached to not doing your work and never consider yourself to be the cause of not of, of the results of activity. So Maharaj bata rahe ki hamare andar डिटैचमेंट होना चाहिए. जो उसका परिणाम होगा जो हम प्रयास कर रहे हैं हमें उसके लिए भगवान के ऊपर निर्भर होना चाहिए. भगवान भगवत गीता में हमें बता रहे कि अपना ड्यूटी कीजिए, लेकिन जो उसका परिणाम होगा उस पर पूरी तरह से उस पर अटैच मत होइए. ओके महाराज. दिनेश प्रभु क्विकली. हरे कृष्णा महाराज जी. धन्यवाद पन्ना. Thank you for your precious association, Maharaj. Hare Krishna. Hare Krishna, Maharaj. Hare Krishna. Maharaj, I have one question. How can we think that Krishna is the supreme controller in our day-to-day life? So, Prabhuji ka prashna hai ki apne dincharya mein, roj jo humara jeevan hai, usme ye kaise samajh paayen ki Param Bhagwan jo hai, wo niyanta hai, wo controller hai. Yes. Well, There has to be somebody in control. Who's in control? We're thinking we're the controller. Are we the controller? We're thinking I'm the controller. We try to get happiness, but we don't always get it. We try to be successful, we're not always successful. So we can understand we're not the controller. तो हमें ये समझना होगा कि हम जो है पूरी तरह से कंट्रोलर नहीं है. हमें समझना होगा कि हम जो चाहते हैं, हम जो खुशी चाहते हैं, वो हर चीज हम प्राप्त नहीं कर सकते. तो हमें देखना होगा कि देयर इज कोई और जो है व्यक्ति, वो कंट्रोलर है. एवरीवेयर देयर इज समबडी इन कंट्रोल. वेयर एवर यू गो, यू वॉक ऑन द रोड, यू वॉक इन द शॉप, यू वॉक इन द समबडी विल से आई एम इन चार्ज. आई एम इन हु इज एक्चुअली द कंट्रोलर बिहाइंड एवरीथिंग अल्टीमेटली. No, just like we see, there's a controller, we can say, well, Mr. Modi, he's the controller of India, he's the supreme man in India. But he knows also somebody is controlling him. There's powers over him. He cannot do everything he wants. तो महाराज बता रहे हैं कि हम देख सकते हैं कि हर जगह कोई ना कोई कंट्रोल है. हर जगह कोई ना कोई कह रहा है कि मैं कंट्रोलर हूँ, कोई इंचार्ज है, कोई कंट्रोलर है. हम भारत में भी देख, लेकिन उसके वो अल्टीमेट जो सबसे बड़ा कंट्रोलर है वो कौन है. महाराज बता रहे हैं जैसे भारत में नरेंद्र मोदी है, वो पूरे भारत के एक तरह से कंट्रोलर है, लेकिन उनको उनके ऊपर भी कौन कंट्रोलर है वो समझना चाहिए. He has to get the votes of the people, the party have to support him. He has, you know, they have to elect him to be the leader of his party. Like that, so many things, there's so many aspects to his control. So then looking at the globe, on the earth planet, the earth, there's a deity of the earth, Mother Bhumi. She's the deity of the earth planet. Is she in control? तो
इस तरह से हम देख सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जी का जो बता रहे हैं कि उनको भी उनका निर्भरता है, उनको वोट चाहिए, अपनी पार्टी का सपोर्ट चाहिए, उनका पार्टी उनको सेलेक्ट करे कि हाँ आप बनिए प्राइम मिनिस्टर, तो कई सारी चीजें हैं। इसी तरह से हम जो भूमि, इस भूमि जो ग्लोब है पृथ्वी, उसको भी देख सकते हैं, क्या वहाँ क्या वो खुद से अपने ऊपर सारा, क्या खुद ही कंट्रोलर है? Mother Bhumi said, when the world was overburdened with the demonic kings 5,000 years ago, she had to go to Brahma for help. But then Brahma, he also didn't know what to do. Brahma, he had to go to Vishnu for help. So, Maharaj bata rahe jo Bhumi Devi hai, 5,000 saal pehle jab bade asurik rajaon ka yahan pe prabhav ho gaya, to Bhumi Devi bahut dukhi thi. To unko pata nahi tha ki kya iska isse bahar nikla jaye. To Brahma ji ke paas gayi, lekin Brahma ji bhi jo hai uska solution nahi kar paye, to Brahma ji unko Vishnu ji ke paas le gaye. And it was Lord Vishnu who said, well, okay, then you all take your birth in the Yadu dynasty and I will also come there. And the Lord came and he corrected everything. So ultimately, there's one supreme controller behind everything. That Lord Vishnu, he is just a tiny part of the potency of the Supreme Lord, Krishna. तो महाराज बता रहे हैं कि तो फिर जो है उन्होंने भगवान विष्णु बताया कि जो यदु स्कूल में जो है भगवान कृष्ण जो है वो प्रकट होंगे और वो जो है सारी इन व्यवस्था को ठीक करेंगे. तो ये ही जो है परम भगवान एक कंट्रोलर है पूरी सृष्टि के, और इवन भगवान विष्णु भी जो है उन कृष्ण के एक अंशी है. In 10th chapter Bhagavad Gita, Vibhuti Yoga, Lord Krishna describes how he is present in so many different features of the material world. How so many, he says, of flowing rivers I am the Ganga, of mountains I am Meru, and so many things. Krishna says that I'm this, I'm that. So what is all this? This is only a tiny fragment of my potency, a tiny fragment, the Paramatma. He said, I pervade and support the entire creation. तो महाराज बता रहे हैं कि 10वें चैप्टर में भगवद गीता के 10वें अध्याय में भगवान जो है बता रहे कि वो इस भौतिक जगत के कई सारे जो फीचर्स है उससे तुलना कर रहे हैं. भगवान कह रहे हैं कि नदियों में मैं गंगा हूँ, पहाड़ों में मैं मेरू हूँ, इस प्रकार. और भगवान बता रहे कि ये बहुत ही एक छोटा सा मेरी जो शक्ति का ये अंश है, और मैं इस पूरे ब्रह्मांड के जो सब चराचर चीजों में मैं जो है परमात्मा के रूप में प्रस्तुत हूँ. ब्रह्मा जैसे क्रिएशन being directed by Lord Krishna, and similarly Lord Shiva, he does the work of annihilation under the direction of Lord Krishna. They wait for his instruction, they're not independent, they're under his control. जिस प्रकार ब्रह्मा जी जो सृष्टि करते हैं वो भी कृष्ण के निर्देश के हिसाब से करते हैं, शिवा जो है वो भी संहार करते हैं संसार का, वो भी भगवान के निर्देश के हिसाब से करते हैं, वो लोग स्वतंत्र नहीं है. We see the planets, how they're moving in orbit, how there's so much perfect rotation of the different planets in the universe. Who's arranging all that? Who's controlling all of these things? Who's keeping them all in orbit? If we pick something up in our hand, if it's just, then we throw it down, we'll fall to the ground. But somehow Krishna arranges by his potency, he keeps all the planets floating in space and moving in perfect orbits. So Maharaj bata rahe ki jo jo alag alag hum planets ko dekh sakte hain, kis tarah se wo apne ek niyantrit jo hai mark par wo chal rahe hain, ek orbit mein ghume ja rahe hain, kaun unko sambhal raha hai, kaun unko wahan par ghuma raha hai. Agar apne haath mein kisi cheez ko uthaye aur usko is tarah se fenke to wo seedha niche aa jayega. To ye jo hai krishna ki shakti se ye sare jo itne bhare bade planet hai ये हवा में उड़ रहे हैं, फ्लोट कर रहे हैं. To facilitate life on this planet, the planet Earth has to be a particular size and it has to be a certain distance from the sun. It shouldn't be too far away, it shouldn't be too near. Everything is very carefully controlled. Who's the controller? Who's doing all this? महाराज कह रहे कि इस पृथ्वी पर भी जो जीवन जो है चल पाए उसके लिए ये जो पृथ्वी है उसका एक बहुत ही जो स्पेसिफिक जो उसका साइज होना चाहिए, उसका जो सूर्य से जो है उसका जो दूरी है वो फिक्स होना चाहिए, तब भी जो है यहाँ पर ये जीवन पॉसिबल है और ये बहुत बड़ा कंट्रोल में है. तो कौन इसको कंट्रोल कर रहा है? There's no such thing as chance.
in the world. There's a reason for everything. It's all arranged. There's a controller. तो महाराज कह रहे हैं कि इस दुनिया में कुछ भी चांस से नहीं होता है. सभी चीजों के पीछे कुछ ना कुछ कारण है, कोई कंट्रोलर है. And we have to surrender to that supreme controller. और हमें जो है उस परम भगवान के प्रति शरणागति करना है. And we have a personal relationship with him through the chanting of the holy name. और हमारा जो है उन भगवान से व्यक्तिगत संबंध है इस भगवान के दिव्य नाम के द्वारा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण महाराज. धन्यवाद नाम. थैंक यू महाराज जी फॉर प्रोवाइडिंग अ वंडरफुल एसोसिएशन. माय क्वेश्चन इज समटाइम्स आवर ईगो इज ऑन द टॉप लेवल ऑफ द स्काई दैट वी डोंट वांट एनी करेक्शन फ्रॉम द डिवोटीज. दैट इज वन शुड नॉट से एनीथिंग. However, with whatever determination we are practicing, let us practice. Sometimes this type of thought also provoke in our mind, which is sometimes also bad for our spiritual growth, which gives birth to a Vaishnava Prad also sometimes, which we have to suffer our spiritual life badly also. So in this case, what would be the best remedy to convince our mind towards the good? So, Prabhu ji ka prashna hai ki kai baar humari jo ego hai, wo aasman ko chhuti hai. और हम जो किसी भक्ति कोई बात नहीं सुनना चाहते. हमें लगता है जो हम कर रहे हैं जितना हम कर सकते हैं वही ठीक है. हमें कोई कुछ पूछे नहीं, कोई कुछ बताए नहीं, और कई बार इसी से जो है वैष्णव अपराध भी हो जाता है. तो इसका क्या, इसके हम बाहर कैसे निकल सकते हैं? Yeah, the best remedy to convince our mind to give up this false ego is hearing from the shastras, hearing from the devotees, cultivating more spiritual knowledge, and also chanting the holy name in a submissive mood, in a mood of surrender. तो महाराज बता रहे हैं कि इससे बाहर निकलने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम श्रवण करें, हम जो है शास्त्रों को श्रवण करें, भक्तों के द्वारा श्रवण करें, और ज्ञान पूर्वक जो है हम जप करें एक शरणागति के भाव से. It may also be even more beneficial if we take up the mood of personal service to the Vaishnavas. Become the servant of the devotees. और एक चीज और बहुत ही अच्छा हो सकता है कि अगर हम जो है हमें किसी भक्त का सेवा मिल जाए, अगर हम किसी भक्त की पर्सनली सेवा करने लगे तो बहुत अच्छा होगा. Taking the mood to serve the devotees, maybe serving prasadam and cleaning after the devotees take prasadam. These kind of services, small services, they're very powerful and very purifying. And they help us to get rid of that false ego. So, Maharaj udaharan de rahe hai ki kis tarah se ki bhakton ko prasad ki seva karna, bhakt jab prasad pa le to us sthan ko saaf kar dena. Is prakar ki choti choti jo seva hai, ye hamare hriday ko shuddh karne wali hai, bahut hi shaktishali hai. Material world, everybody wants to be the master, we all want to be worshipped, you know. We have to be the humble servant, be the servant of the devotees. It's very, very powerful and very purifying. तो इस भौतिक जगत में सब कोई जो है वो बॉस बनना चाहता है, सब चाहता है कि मेरा ही सब कोई बात सुने, लेकिन वैष्णव समाज में हम जो है भक्तों का दास बनना चाहते हैं, भक्तों के दास बनकर हम ये भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते. And when we serve the devotees, we have to serve in the mood of love, with a loving mood, a caring mood, genuinely caring for the devotee. Not just, oh, I have to do this, oh, they give me this service. Don't do it reluctantly, but do it with great care and love. तो महाराज कह रहे हैं कि और जब हम ये सेवा करें तो ये सेवा जो है प्रेम के साथ होना चाहिए. इस सेवा में जो है बहुत ध्यान से, बहुत उनका केयर करते हुए, बहुत ही अच्छे खुश हृदय से करना चाहिए. ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि वो बहुत सेवा आ गया मेरे पास, बहुत दिक्कत हो गया, ऐसा नहीं सोचना चाहिए. The service mood is very important, that we do things with a loving, caring mood, not grudgingly. ये सेवा का जो भाव है वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम जो है उसको प्रेम से, बहुत ही खुशी से, ये नहीं कि बहुत दुखी होके जबरदस्ती हम कुछ पे सेवा कर रहे हैं. सेवा का भाव बहुत इम्पोर्टेंट है. So we say, Mahat Sevam Dwara Mohor Vimuktes. By serving the devotees, opens the doors to liberation. So all the devotees, they're all Mahatmas, and serve them, and we get a lot of mercy.
तो भक्तों की जो सेवा है वो मुक्ति के द्वार है, इसलिए हमें जो है भक्तों की सेवा ढूंढना चाहिए और भक्तों की सेवा में लगाना चाहिए। हरे कृष्णा। थैंक यू महाराज जी फॉर योर एनलाइटनिंग वर्ड्स। थैंक यू प्रभु फॉर योर क्वेश्चन। हेलो हेलो प्रभु, महाराज वी डोंट वी आर टेकिंग सो मच ऑफ योर टाइम, बट इज इट because devotees have questions, we did not ask you that. Can we go like this for some more time, Maharaj? 10 minutes? Okay. Thank you, Maharaj. Thank you so much. Yes, Saloku. Hare Krishna, Maharaj. Dhanurat Nam. Hare Krishna. Maharaj, my question is... Hare Krishna. Dhanurat Nam. Thank you for giving your holy association, Maharaj. And my question is, Maharaj, how to get intense desire to serve Krishna lovingly and to serve properly? Prabhuji ka prashna hai ki, how to improve it? So Prabhuji ka prashna hai ki, Bhagwan ko bahut hi tivrata aur prem ke saath seva karne ka kaise hum ichha kar sakte hain aur jo abhi jitna hai usko aur aage kaise badha sakte hain? So you have to become attached to a sadhu. You have to develop some devotion for your spiritual teacher, and you have to become eager to please him. So Maharaj keh rahe ki hame ek sadhu ke prati aakarshit ho jana chahiye. Hamare jo adhyatmik guru hai, unke prati hamara aakarshan jo hai ho jana chahiye aur unki seva ka bhav ho jana chahiye hamare andar. So when the spiritual master sees that you're working very hard and intensely, he'll be very pleased and he will praise you, he will appreciate. Oh, this is very nice, you're doing so well. So we want to work in such a manner to please Krishna and please Krishna's devotees. This is the goal of life. If you can please Krishna's devotees, then certainly Krishna will be pleased. तो महाराज कह रहे कि जब गुरु जो है वो देखते हैं कि आप बहुत मेहनत कर रहे हो कृष्णा कॉन्शियसनेस में, बहुत प्रयास कर रहे हो आप, बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो, तो देखते हैं तो बहुत खुश होते हैं। तो इस तरह से हमें जो है कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण के भक्तों को प्रसन्न करना है। कृष्ण के भक्त प्रसन्न होंगे तो कृष्ण स्वाभाविक प्रसन्न हो जाएंगे। We have to understand the value of time, that we've got this very rare opportunity to be in the association of devotees, and we don't know how long we'll have it. So we want to make the best of every moment, and we want to be very careful and enthusiastic to use every moment to get the greatest benefit. And the best thing we can do is engage in our devotional service. But if we don't do devotional service, then we just serve Maya, and the time is lost. And you're in Maya, more and more association with Maya, deeper Maya. So we want to get out of the Maya. We want to come into Krishna, so take advantage of this association. Keep a very strong desire to work for the service of Krishna. Maharaj ji bahut sundar bata rahe ki hame jo hai jo samay ka bahut dhyan purvak upyog karna chahiye. Hame samajhna chahiye ki har ek kshan jo hai wo important hai, aur bahut jitna bhi hamare paas samay hai bahut hi utsah se हमें जब भगवान के भक्तों की सेवा में लगना चाहिए, एक भी क्षण जो है हमें गलत खराब नहीं करना चाहिए। जो भी हम कृष्ण की सेवा में समय नहीं लगा रहे वो माया की सेवा में लगाएंगे, इसलिए हमें जो बहुत हर एक मिनट को बहुत उत्साह से भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। कृष्ण says in Bhagavad Gita, a little advancement made saves us from the greatest danger. So we should be eager to make advancement, even it may not be very much. But we should have some an eagerness that I should want to advance, I have to try and advance. And this way we work very hard, we have the desire, I really want to do something to please Krishna. Just like Prabhupada said, you know, Prabhupada, he could not think small. He said, shoot the rhinoceros, hunt the rhino, chase the rhino, don't go rabbit hunting, hunt for rhinos. Something very difficult. If you do something small and you fail, people will laugh. But you go for a rhino, chasing rhinos, well, it's really difficult. They're really big and very powerful. You have to be very careful. So Prabhupada encouraged like that in our Krishna consciousness. He could not think small. He wanted to do everything big. Just like
He didn't just write the Bhagavad Gita. He gave his commentary on Srimad Bhagavatam. You know, hardly anybody ever publishes Srimad Bhagavatam. Many people publish Bhagavad Gita, but you don't see a lot of people publish Srimad Bhagavatam. It's so big. But Prabhupada didn't think small. He wanted to do big things. So we have to follow in the footsteps of Srila Prabhupada. तो महाराज कह रहे हैं कि हमारा जो है ये प्राप्त करने के लिए हमारा जो ईगरनेस है जो हमारा इच्छा है वो बहुत बड़ा होना चाहिए हो सकता है कि अभी हम छोटा कुछ सेवा कर रहे हैं लेकिन हमारा इच्छा होना चाहिए कि बहुत ज्यादा भगवान का हम सेवा करें हमें बहुत हार्ड वर्क करना चाहिए वो सेवा करने के लिए और वो तीव्र महाराज शिला प्रभुपाद जी का उदाहरण दे रहे शिला प्रभुपाद जी बोला करते थे कि हमें जो है अगर शिकार करना है तो गैंडे का शिकार करना है गैंडे का शिकार बहुत मुश्किल है लेकिन शिला प्रभुपाद जी बोलते थे कि मेरा दिक्कत है कि मैं छोटा नहीं सोच सकता मैं केवल बड़ा ही सोच सकता हूँ इसी प्रकार से हमें भी जो शिला प्रभु और महाराज उदाहरण दे रहे हैं कि भगवद गीता का कई लोग लेकिन शिला प्रभुपाद जी ने श्रीमद भागवतम का अनुवाद किया ये ज्यादा लोग नहीं करते तो शिला प्रभुपाद जी हमेशा बड़ा सोचते थे तो हमें भी उसी प्रकार का So we want to do something for Krishna. It's a rare opportunity. We've got this chance that we can actually do something, try to do something. So, you know, we want to have this desire. That's the important thing, that let me try, do something for Krishna. Let me try, introduce Krishna consciousness. Let me try, distribute some books here. Maybe I can, you know, it may not be successful, but it's okay, we tried. At least we tried. We may not get success. So, Maharaj keh rahe ki hamara jo teevr ichha hona chahiye ki hum kaise hum Bhagwan ki seva kar paaye. Ye bahut hi teevr ichha hona chahiye. Kaise main Bhagwan ki koi seva karun? Kya main kisi ko ye Krishna bhakti ke bare mein thoda bataun? Kya main kuch kitabon ko distribute karun? हो सकता है कि हम सफल ना भी हो सफलता ना भी मिले लेकिन हमें जब पूरे अच्छे तरह से प्रयास करना चाहिए उसको करने के लिए But if we don't try to do anything for Krishna, then other people will come along and they will do it. They'll get the credit. But if you try, then at least you try. You get some credit because you tried. Other people, they come along, they will do it. They'll get the credit. But somehow, sooner or later, all of these things are going to be done. Krishna consciousness is going to be spread everywhere. Everyone's going to become Krishna conscious. So it's up to us. We can take the credit or we can let other people take the credit. Maharaj keh rahe ki hame jo hai iska prayas karna chahiye pura kyunki ab hum prayas karenge uske baad kuch nahi hoga to koi dikkat nahi lekin agar hum prayas hi nahi karenge to koi na koi aur prayas karega aur wo uska jo hai credit le jayega chaitanya mahaprabhu ne bataya ki ye jo hai ye to jo andolan hai ye phailega iska jo prachar sabko hoga lekin hamare upar hai ki hum uska kitna credit lena chahte hain so we should have some desire we should really want to do something for Krishna Show my gratitude to Krishna. Krishna has given me this chance. Let me repay Krishna. तो हमारा जो तीव्र इच्छा होना चाहिए कृष्णा के प्रति हमारा कृतज्ञता होना चाहिए कि कृष्ण ने हमें सब कुछ दिया है इसलिए हमारे मन में तीव्र इच्छा होना चाहिए कि Okay. Thank you, Maharaj. विकास प्रभु quickly can you ask? Thank you, Maharaj. Thank you for your blessings. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Dhanvat Maharaj ji. Dhanvat Pranam. Maharaj, my question is, when we study scriptures, we convince ourselves that Krishna is the Supreme Personality of the Godhead. But when we preach the new person, that it becomes very difficult to convince him that Krishna is the Supreme Personality of Godhead. A little bit less conviction we also have, and therefore we unable to, it becomes very difficult to convince him. So how can we convince him? तो गुरु जी का प्रश्न है कि हम जब शास्त्रों को पढ़ते हैं तो हमें विश्वास होता है कि परम भगवान कृष्ण है और लेकिन जब हम दूसरों को समझाने के प्रयास करते हैं प्रचार करने की कोशिश करते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाता है एक तो हमारा अपना भी जो कन्विक्शन है वो उतना पक्का नहीं है लेकिन खासतौर से जब दूसरों को बताते हैं तो काफी दिक्कत फेस करते हैं तो महाराज क्या करें But we have to understand not everybody will accept there are four kinds of people who never surrender to Krishna
So there are these kind of people, they don't want to surrender to Krishna. You can't convince them. Even though you may give all the arguments, you'll never convince them because they don't want to surrender to Krishna. You have to recognize that. तो हमें ये समझना होगा कि सब तरह के लोग जो है वो भगवान को स्वीकार नहीं करेंगे. चार तरह के लोग ऐसे बताए गए हैं जो कृष्ण को स्वीकार नहीं करते, तो ये होगा ही कि कुछ लोग उसको स्वीकार नहीं करेंगे. But we, when we're presenting the philosophy, you want to understand just like how Krishna speaks Bhagavad Gita. First of all, he introduces the science of the soul. If people don't understand who they are, if they don't understand they're the soul, then they'll never understand Krishna. तो श्रील प्रभुपाद जी इसको एक अच्छे तरीके से करने के लिए बताते हैं कि पहले जो है भगवद गीता को बताते हैं कि हम जो है जीवात्मा है, हम जो है शरीर नहीं है. तो जब ये लोग इस धरातल पर पहुंच के इसको समझेंगे तो फिर वो भगवान को भी समझ पाएंगे. So we have to preach to people in a systematic manner, get them to understand first of all we're not the body. And then Krishna speaks about the yoga ladder, and he talks about karma yoga and then jnana yoga and then ashtanga yoga and then bhakti yoga, because bhakti yoga is at the top. So people cannot immediately accept bhakti yoga. You have to do it gradually, you have to go through the yoga ladder to convince them. And so sometimes like that, not everybody can immediately take up bhakti yoga. You have to understand, some people will take more time before they can come to bhakti yoga. So Maharaj bata rahe hain ki hame jo hai sabse pehle unko ye samjhana padega ki hum sharir nahi hai, hum atma hai. Fir uske baad jo hai Bhagavad Gita ke hisab mein jaise yoga ladder system samjhaya gaya, to hame wo unko samjhana padega ki alag alag yoga system hai, aur jo bhakti yoga hai wo jo sabse sarvoch hai. तो सारे लोग जो है एकदम से भक्ति योग को स्वीकार नहीं कर लेंगे, उनको कुछ समय लगेगा. कई लोगों को समय लग जाता है इस तक पहुंचने में. But you know there will always be people who don't want to surrender to Krishna. You know they just, you know, Krishna understands. Namam duskriti na mudha prapadyante naradama. Four kinds of people. Right? The mudha, the naradama, maya parita jnana, asuram bhavam ashrita. They'll never surrender to Krishna. So you can't expect to make everybody a devotee. Just try and give them prasadam, let them eat prasadam, and let them chant the holy name. Then they can advance gradually. बस उनको जो है प्रसाद देने का प्रयास करना चाहिए, उनको हरि नाम देना चाहिए, और धीरे धीरे जो है वो भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं. हरे कृष्णा. थैंक यू महाराज. महाराज आई थिंक मोर डिवोटीज विल हैव क्वेश्चन, बट वी डोंट नो, यू हैव स्पेंड सो मच टाइम एंड वी लुक फॉरवर्ड टू इट. इट लुक्स लाइक इट शुड गो ऑन एंड बट वी लुक फॉर मोर ऑफ योर एसोसिएशन महाराज इन next class is also Maharaj. If we are fortunate to have your association. Okay. Such a blessing, Maharaj. We are starting Srimad Bhagavatam and you are set the basis for it, and it is real fortune to get your association, Maharaj. You are very kind and merciful upon us. Okay, thank you very much for all the questions. Very happy to meet all the devotees. Maharaj keh rahe hain ki bahut khush hai. आपने जो क्वेश्चन पूछे हैं सभी भक्तों से मिलकर, महाराज कह रहे हैं मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं बहुत खुश हूँ. Okay, so we'll meet you again sometime. Yes, महाराज. Thank you, महाराज. And so we are on behalf of all the best devotees, our humble obeisances, many many thanks, महाराज. There cannot be a greater fortune than to hear from you on Srimad Bhagavatam. तो महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं. महाराज के मुखारविंद से श्रीमद् भागवतम सुनना और शुरू करना, इससे अच्छा अपॉर्चुनिटी हम लोगों के पास और कोई हो ही नहीं सकता दूसरा अपॉर्चुनिटी. हम सब लोग हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा महाराज का धन्यवाद करेंगे. महाराज इतना समय निकाला, ये क्लास 8:15 तक था, अभी 9:15 होने वाला है, तो हम सब लोग कृष्ण महामंत्र बोलते हैं. हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 Hare Krishna. Hare Krishna. Dandabha pranams. Hare.
Hare Krishna.